तो गुड इवनिंग एवरी वन ऑल यूट्यूब स्टूडेंट्स लाइव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट करेंगे एज्यूम दैट द डायोड इन द फिगर हैज वी ओ ऑन वी ओ एन वी ऑन इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट एज्यूम दैट द डायोड इन द फिगर हैज वी ओ एन जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट बट इज अदरवाइज आइडियल तो डायवर्ट के बारे में लिखा है एज्यूम दे द डायवर्ट इन द फिगर हैच वी ऑन इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन वोल बट इज अदरवाइज आइडियल देखिएगा ध्यान से ना फिगर था टू वोल्ट का बैटरी वोल्टेज लगा है एक डायोड लगाया है उसके पैनल में टू किलोम लगा हुआ एक है एक आर टू सिक्स किलोम है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट आई टू इन मिली एम्पियर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट आई टू द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट आई टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट आई टू इन मिली एम्पियर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट आई टू इन मिली एम्पियर इज इक्वल टू ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट किया कि आई टू का मैग्नीट्यूड आपको बताना है ठीक है तो सोचिए कि क्वेश्चन आप दे रहे हो आपके पास गेट का पेपर दे रहे हो ये क्वेश्चन आपके सामने हो राइट टू का मैग्नीट्यूड आपसे कोई पूछा है और एक सिंगल डायवर्ड सर्किट लगा हुआ है बैटरी वोल्टेज भी टू वोल्ट लगा हुआ है क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कटिंग वोल्टेज कितना है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट कटिंग वोल्टेज बोल रहे हो वी गामा बोल रहे हो ये आपके पास ये वी गामा वी गामा या वी ओ एन एक ही बात है ऑफसेट वोल्टेज बोल रहे सब एक ही बात है तो ठीक है करिंग वोल्टेज जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट दिया हुआ है और राइट टू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था राइट तो टू की वैल्यू बता दो आप सॉल्व करके कि सर टू इतना आ रहा है ठीक है तो मान लेते कि आप गेट का पेपर दे रहे हो और ये क्वेश्चन के साथ तो आप बताने वाले हैं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कितना वोल्टेज है बैटरी वोल्टेज टू वोल्ट कटिंग वोल्टेज कितना है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट तो डायोड आपके पास ऑन और डायोड कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर दिए हम लोग पॉइंट सेवन वोल्ट से द जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट ये यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हमारे पास इस वाले का ये है टू किलो ओम ओके ये कितना वहाँ पास सिक्स किलो ओम सिक्स किलो ओम और यहाँ से मेरे को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना आई टू लिखा है तो आई टू इट्स ओके कितना वोल्टेज है आपके पास टू ये टू किलोम का वोल्टेज कितना होगा अरे पैर में वोल्टेज सेम होता है कितना पॉइंट सेवन वोल्ट देखो से अगर ये पॉइंट सेवन है तो टू वोल्ट ये है ये पॉइंट सेवन है तो टू वोल्ट ये है और ये पॉइंट सेवन है इसका वोल्टेज कितना हुआ वन पॉइंट थ्री वोल्ट अरे टोटल वोल्टेज तो जीरो होना चाहिए ना किसी भी लूप में पॉइंट सेवन उसका है तो वन पॉइंट थ्री उसका हुआ अगर वन पॉइंट थ्री इसका वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस आपके पास पता है तो आई टू की वैल्यू कितना आ गया वोल्टेज कितना है वन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई कितना है सिक्स किलो लो इतना मिली एम आ गया बताओ कितना आ रहा है जीरो पॉइंट टू वन सिक्स मिली एम आपके पास तो बेसिक वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते तो जैसे मैं बोला कि देखो यार इसका वैल्यू सिंपल के वी एल आपके पास था टू वोल्ड था आपके पास एक का पॉइंट सेवन था तो बाजू वाले का वन पॉइंट थ्री होगा थोटा वोल्टेज तो जीरो बना चाहिए किसी भी क्लोज लूप में इतना आपके पास देखो ठीक है तो जस्ट क्लास स्टार्ट किया देखो स्टोरी देखो ध्यान से आ, आई टू की वैल्यू कितना है आपके पास ये आई टू की वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट टू वन सिक्स इस ब्रांच में जीरो पॉइंट टू वन सिक्स मिली एमपे करेंट फ्लोर है हाँ इसमें अगर मैं बोलूँ कि कितना करंट है आपके पास तो पॉइंट सेवन डिवाइड बाई टू किलो अरे वोल्टेज पता है रजिस्टेंस पता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस कितना जीरो पॉइंट थ्री फाइव मिली एम ये डाइवर्ट आपके पास, पास, पास पी टू एन है ये डाइवर्ट करेंट आपके पास है अगर इस जगह पर नोट लगा रहा हूँ तो डाइवर्ट करेंट इनकमिंग है ये करेंट इनकमिंग है और ये करेंट आउट गोइंग है तो इस जगह पे अगर मैं बोलूँ कि मिस्टर किरचॉफ के कि अगर लॉक लगा रहा हूँ तो देखो डाइवर्ट करेंट इनकमिंग है इनकमिंग को मैं माइनस लिखता हूँ आई माइनस लिखा जीरो पॉइंट थ्री फाइव भी माइनस लिखा क्योंकि वो भी इनकमिंग है और जीरो पॉइंट टू वन सिक्स भी लिखा आपके पास वो आउट गोइंग है बताओ डायोड करंट की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है अरे डायोड करंट की वैल्यू बताओ डायोड करंट की वैल्यू बताओ ना डरो मत हाँ बोलो माइनस जीरो पॉइंट वन वन थ्री फोर मिली एम देखा आपके पास तो डायोड के पास वो कैपेबिलिटी है मैजिकल कैपेबिलिटी इसका मतलब है कि आप जो भी सॉल्व किए थे गलत था क्यों गलत था आप तो ऑन ही किए थे बिकॉज ऑफ द टू वोल्ट लेकिन डायोड तो ऑफ है अरे हमारा एडमिशन रॉन्ग है इसके तब जीरो पॉइंट टू वन सिक्स गलत आंसर है ये सही तब होता जब आपका डायवर्ट सच में ऑन होता तो आपका डायवर्ट तो ऑफ है और डायोड ऑफ तो है तो इसमें जितने भी कैलकुलेशन बोर्ड में सब गलत है तो डायोड मैं पहले भी बोल चुका हूं कि डायोड को बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है कई बार आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से सिंगल डायोड था जबकि कोई भी ठीक ठाक स्टूडेंट जो होगा वो टू वोल्ट के कारण जीरो पॉइंट सेवन वोल्ड से ज़्यादा था भाई टू वोल्ट जीरो पॉइंट सेवन से ज़्यादा था टू वोल्ट तो डायोड को ऑन एज्यूम किया और उसके बाद वापस देखने भी नहीं गया और वापस देखने नहीं के तो उसका आंसर जीरो पॉइंट टू वन सिक्स मिलियन पे आ जाएगा जो कि गलत है बिकॉज बोर्ड में जितना भी लिखा है उसमें जो हमारा जमसन है कि डायोड एक्चुअली ऑन था नहीं ऐसा हम कैसे कर पाए ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम रजिस्टेंस की हेल्प से हमको पता रेजिस्टेंस लगा है रजिस्टेंस लगाया वोल्टेज लगाए तो उसकी हेल्प से करेंट की बातें हो पाएगी अब सोचो देखो टू किलोम है अगर आप चाहते कि सच में डायोड ऑन हो और आपके पास आंसर यही वाला हो मैं चाहूं तो जीरो पॉइंट टू वन सिक्स मिलियन पर आंसर सही भी कर सकता हूं मेरे को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अगर ध्यान से अगर आप देखा जाए आपके पास तो क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या होगी जैसे अगर मैं बोल दूँ कि ये टू ओम नहीं होता और ये टेन ओम होता इसमें मतलब तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के कारण देखो सिचुएशन कैसी चेंज हो सकती है ये टू किलो ओम नहीं होता आर वन इफ आर वन इक्वल टू टेन किलोम आर वन इक्वल टू टेन ओम बोल रहा हूँ ध्यान से देखना आप ओके okay? अगर आर वन टेन ओम है तो बताए इस वाले पाथ से जो करेंट फ्लो होता फिर वो कितना होता है पॉइंट सेवन डिवाइड बाई टेन तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन होता है तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन होता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन और आई डी भी इनकमिंग है तो माइनस आई डी और वो आउट गोइंग है आपके पास कितना जीरो पॉइंट टू वन सिक्स जीरो पॉइंट टू वन सिक्स अब डाइवर्ट करेंट क्या रहा है बताओ आपके पास पॉजिटिव वैल्यू तो क्या ध्यान से ये बार वन इक्वल टू टेन किलो हम चेंज कर दिए भाई एक रजिस्टर की वैल्यू को तो आप देखो आपके पास यहाँ से करंट फ्लो होगा यही वाला करंट यार ये नंबर चेंज हो गया वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करंट होता है नंबर चेंज हो गया जो इनकमिंग करंट है केसीएल का इक्वेशन में ये करंट चेंज हो गया पॉइंट थ्री फाइव की जगह पॉइंट थ्री फाइव की जगह माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन आ रहा है इनकमिंग करंट इनकमिंग को नेगेटिव लिखता हूं नेगेटिव लिखता हूं नेगेटिव लिखता, लिखता हूं मैं जब भी नोट लगाता हूं केसीएल तो आईडी करंट की वैल्यू आप बोलो कितना आ रहा है पॉइंट वन फोर सिक्स अगर ये क्वेश्चन होता आपके पास तो आपका आंसर जीरो पॉइंट टू वन सिक्स सही आंसर है एकदम सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया और डायरेक्ट सही में ऑन है नोट करते रहना बोर्ड में मैं जो भी लिखता हूं सबकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं होता है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते बोर्ड में किसी भी लिखी हुई चीज़ को चेंज कर दिया क्वेश्चन में टेन किलोम ले लिया मैं तो अगर टेन किलोम होता आपके पास तो हमारा एग्जम्पन सही होता और डायोड सही में ऑन है एक पहले में रेजिस्टेंस लगा के देखो सिचुएशन चेंज कर लिया अपन एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे प्रेडिक्ट कर लेगा फिर वो तो टू ही देखेगा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रेडिक्ट कर पाएगा वो तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी चीज को अगर आप देखते हो और अगर आप ऑन बोल रहे हो तो आपको केयरफुल रहना है थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आप ऑन सोच रहे हो वो ऑफ था ऐसा ना हो पहले बोल चुका हूं डायवर्ड अगर ऑन है तो डायवर्ड करेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एम्पियर होगा ये बात में कोई शक नहीं होना चाहिए अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर वाला नहीं हुआ मैं भी नया क्वेश्चन बनाया आर वन टेन किलोम इस क्वेश्चन में डायवर्ड ऑन है सही बात है तो फिर कितना करंट होगा सर आई का ज़ीरो पॉइंट टू वन सिक्स हाँ हमारा वो गलत हो गया हमारा गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमारा डायवर्ड करंट नेगेटिव आ रहा था एक्चुअली डायोड अगर ऑफ था तो हमारा क्वेश्चन कैसा पता आपके पास ये डायवर्ड क्या है ऑफ ओपन सर्किट करेंट कितना जीरो एम पी ये वोल्टेज कितना लेफ्ट साइड का टू वोल्ट सर यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था सिक्स ओम करेंट कितना आई टू ये रेजिस्टेंस कितना था टू ओम पता आपके पास ऊपर वाले सर्किट तो अब डिस्कनेक्टेड है जीरो एम्पियर है कितना फ्लो फ्लोर है सर सिंपल करंट आई के सर, के टू की वैल्यू केवीएल सर केवीएल टू अपॉन और छः आठ वन बाई फोर जीरो पॉइंट टू फाइव यूनिट का केयर करें हमेशा मिली एम्पियर जीरो पॉइंट टू फाइव मिली एम्पियर द एग्जैक्ट आंसर गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सेट नंबर टू का तो मैं पहले ही बोल रहा हूं लोग कुछ करेंगे नहीं क्वेश्चन वही रहेगा कुछ सेकंड्स का उनका मेन ऑब्जेक्टिव भाई आपसे गलत करवाना थोड़ी आप एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी होंगे क्या ही होंगे आप टू ओल्ड को देख के ऑन ही बोलोगे और क्या बोलोगे नहीं बोलोगे ऑन तो क्वेश्चन में इसलिए लिया कि आपके माइंड में यह बातें क्लियर हो कि वैल्यूज को चेंज करके पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज 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 करने से उस ब्रांच का हुआ और उस ब्रांच ब्रांच का का हुआ हुआ और जब तो डायवर्ट करेंट पे हो गया और तो डायवर्ट तो तो कर सकते थे। तो जो था अच्छा था। इस का कितना हारवन टेन किलो में जीरो पॉइंट बट ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर जीरो इसे क्या समझने को मिला इस क्वेश्चन से आपको कि बड़े जल्दबाजी में ना रहे अगर आप डायड ऑन एज्यूम कर लिए हो तो एक बार देख ले कि हाँ ऑन है एक बार देख ले और देखने के लिए कैलकुलेशन नहीं लगता है जो ऑन एज्यूम किए वो कैलकुलेशन तो किए ना उसके अराउंड में जो भी पूछा होगा तो दस सेकेंड और टेन सेकेंड ऑनली ऐसा नहीं कि कोई नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि डायोड ऑन है सर पता करना पड़ेगा नहीं भैया फिगर तो चल ही रहा था वही फिगर दस सेकेंड एक्स्ट्रा बस नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इसलिए क्वेश्चन को लिया मैं अगर वो जो सेंटर रेजिस्टेंस जो लगाया आर वन टू किलो उस डायोड के साथ में वो नहीं होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही सीरीज में लगा हुआ डायोड है आप वोल्टेज ज्यादा दोगे तो करंट फ्लो ही होगा भाई उसमें से और बड़ा आसान होता है आपके पास एक सीरीज में डायवर्ड लगाए वोल्टेज सामने लगा दो उसके कटिंग वोल्टेज से ज़्यादा इनपुट होना चाहिए हंड्रेड करंट की वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो एमपियर आएगा आप अरेंजमेंट कैसा किए अरेंजमेंट एक सेंट स्टेंस लगा दिए उससे क्या हुआ उसके क्रॉस में भी करंट फ्लो होगा और वो करंट जो होगा वो डायवर्ट करंट को चेंज करेगा यहाँ पे वो करंट जो है वो माइनस जीरो पॉइंट इनकमिंग करंट इसलिए माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन मिली एम करंट इस वाले पाँच से जा रहा है उस वाले में कितना करंट था जीरो पॉइंट थ्री फाइव मिलीएम पे और डायवर्ट पहला में लगा है तो डायवर्ट करंट जो होगा वो दो ब्रांचेस के करंट पर डिपेंड करेगा एक प्यारा सा छोटा सा फिगर एक अरेंजमेंट बना दिया गया इतने से तो हम कवर कर सकते हैं वैराइटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये बात समझ आना चाहिए तो इस क्वेश्चन से हमारे पास एक थॉट आना चाहिए कि ठीक है अगली बार कोई भी चीज आएगी तो हम आराम से देख लेंगे चीजों को चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड चेंज कर रहा हूं मैं नोट कर लिया हूँ इतना एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग

सर्किट ऑफ बिलो फिगर द करेंट आईडी थ्रू द आइडियल डायवर्ट इन ब्रेकेट लिखा था आइडियल डायवर्ट के ब्रेकेट में लिखा था जीरो इन वोल्टेज एंड पावर रेजिस्टेंस आइडियल डायवर्ट के ब्रेकेट में क्या था जीरो इन वोल्टेज एंड पावर रेजिस्टेंस ब्रेकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ये आईडी करंट पूछा है जो ब्रैकेट में लिखा है वो आइडियल आइडियल डायोड के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जीरो लिखा हुआ आपके पास तो जीरो कटिंग वोल्टेज फॉरवर्ड फॉर्ड का कहा तो कटिंग तो तो वोल्टेज भी जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी जीरो जीरो पहले लिखा हुआ है क्या लिखा है जीरो कटिंग वोल्टेज है फॉर्व रेजिस्टेंस ये नाइनटी सेवन का क्वेश्चन है आई टी मद्रास का ऑप्शन थे लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ इन एम्पियर इज अपन न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना लिए इन एम्पियर एज इन एम्पियर एज तो हम एन बना लिया अब आज की डेट में आया तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही आएगा इन एम्पियर इज इस आई की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है एक और एम्पियर क्यों बोल रहा हूँ सब रेजिस्टेंस ओम में हमेशा जब भी फिगर देखे सबसे पहले डायमेंशन देखे अपन वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में लिखा रजिस्टेंस किलोम तो करंट मिल, मिली मिले एम्पियर इस चीज़ का केयर करें पहला स्टेप है ये सर्किट को देखने के बाद अब देखो ये क्वेश्चन बना लोगे आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे फिर मैं बोलना चालू करूंगा फिर मेरी बातों को नोट करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ये क्लियर है मेरे को कि आप लोगों से मैक्सिमम लोगों से बन जाएगा और आई डी की वैल्यू आप बता भी दोगे बट उसके बाद फिर मेरा डिस्कशन सुनेंगे तो आपके पास एक दो मिनट है दो मिनट आप सॉल्व कर लो और आई ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा तो बनने ही वाला क्वेश्चन है जस आपको दिया कि बना लो यार आई डी की वैल्यू रब कॉफी यूज करो मैं पहले ही बोला हूँ पहले बोला हूँ कि रब कॉफी आप हमेशा रखे रहिए जब भी मैं आपको मौका दूँ आप मेन कॉपी में मेरी बातों को नोट कीजिए आप अपनी बातों को मेन कॉपी में नोट मत कीजिए आपको जब अप्लाई करने का मौका दूँ तो रफ कॉपी होना चाहिए और वही वाली जो गेट में जिस टाइप के जिस साइज़ का मिलता बता भी चुका हूँ पहले भी कि सभी लोगों को वो नोटपेड सामान वाली कॉपी रखना चाहिए मार्केट में मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी शॉप में रहना वो रहना चाहिए आपके पास वही प्रैक्टिस में रहे आपके पास दो मिनट भी आपको दिया तो ये दो मिनट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद तो फिर मेरी बातें चालू होगी जिसको आप आराम से नोट कर लोगे समझ भी जाओगे तो एक आइडियल डायवर्ट है आपके पास वो बोला गया कि भैया इसमें से करंट बता दो तो आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर मैं तीन डायवर्ट वाला आपके पास फिर क्रिएटिविटी पे बेस्ड आता तो मेरे को लगा कि जैसे स्टार्ट किया तो पहले थोड़ी देर कुछ बातें कर लिया जाए फिर अपन आएंगे डायवर्ट ही तो पढ़ रहे अपन चाहे कुछ भी बात करें फिर तो जो आपको मैं दो मिनट बोला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप दो मिनट क्या क्या सोच रहे हो आपको जब भी इंडिविजुअल में मौका देता हूं वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली हो वो ही आप जो आप जितना सोचते हो जितना सॉल्व करते हो है ना तो वो आपको बहुत केयर करना चाहिए और रफ कॉफी में इसलिए सॉल्व करने को बोलता हूं कि उसकी स्पीड इंक्रीज होती है आपको जो करना है करो रफ समान तो सॉल्व करना है मेन कॉपी में आप फिर स्पीड नहीं बढ़ा सकते इसलिए मेन कॉफी में आप कभी सॉल्व मत करो जब मैं देता हूं तो वो तो मैं करवाऊंगा आगे हो गया बहुत सारे लोग आंसर क्या आंसर अं आ रहा है वन एम्पियर आंसर आ रहा है कितने लोग आ चुका अभी तक वन एम्पियर बाकी लोग भी निकालो यार डाउट करें निकाल पाओगे क्या ठीक है वन एम्पियर सही भी है इसलिए बोला कि बनने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको अब देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन है आपके पास बहुत पुरानी बात है लगभग नाइन्टी सेवन का क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिखी रहा आपको इट्स ओके okay। मैं इसलिए लिए आपके पास कि कुछ बातें कर सकते हैं अपन एक तो आपके पास आइडियल डायवर्ट है आइडियल डायवर्ट का मतलब वो खुद दे दी नहीं देती तो भी हमको पता है कि कट इन वोल्टेज जो होगा जीरो वोल्ट होगा और फॉर बाइज रेजिस्टेंस जो होता है वो भी जीरो ये ये आपके पास गिवन है एक आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक गिवन है ठीक है भाई अब कोई बोल रहा है कि डायवर्ट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना तो बहुत ही अच्छी बात है और डायोड करंट की वैल्यू निकालने चले जाओ डायोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर होगा डायोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आए नेगेटिव आ गया तो फिर तो डायोड ऑफ है और आंसर जीरो ऑफ का आंसर तो जीरो ही होता है फिर क्योंकि डायोड तो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है सिंपल तो सबसे पहली बात तो आपके पास एक आइडियल डायोड है और आप एज्यूम कर लिए कि डायोड ऑन है वैसे भी डायोड करंट पूछे कि डायोड को आप एज्यूम कर लिए कि ऑन है और पी टू एन करेंट आपके पास डायोड करंट लिखा हुआ था आईडी बिल्कुल सही है ये अब आपके पास वो जो पाथ है उसमें वोल्टेज जीरो क्योंकि ऑन है और वोल्टेज जीरो होने से करंट जीरो तभी होता है जब वो किसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज जीरो बाकी किसी भी डिवाइस का वोल्टेज जीरो से तो होता नहीं है चाहे फिर वो कैपेसिटर हो चाहे इवन इंडक्टर हो चाहे फिर ट्रांजिस्टर हो चाहे डायोड हो चाहे मॉस्फेट हो ओके okay. ये ऑन है ये ऑन तो आपको बहुत अगर नेटवर्क वाइज बात करूं तो एक शॉर्ट सर्किट करेंट निकालना है मगर मैं बोलूं कि इस जगह का पोटेंशियल इस जगह का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है इस जगह और इस जगह का पोटेंशियल सेम है अगर मैं इसको बोल दे रहा हूं कि ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स होगा कोई बात ही नहीं है एक्चुअली ये पूरा एक ही है ये दोनों एक ही है दोनों एक ही पॉइंट है और दोनों पॉइंट एक ही है तो अगर मैं बोलूं कि मैं नोड लगाना चाहता हूं वीएक्स पे तो अगर मैं नोड लगाना चाहता हूं वीएक्स पे तो वी एक्स माइनस टेन डिवाइड बाई फोर प्लस वी एक्स बाई फोर प्लस वी एक्स बाई वन और ये करेंट इनकमिंग है माइनस टू इक्वल टू जीरो चार ब्रांचेस है हो सकता है पांचवा आपको लग रहा है लेकिन वो एक ही नोड है दोनों पॉइंट सेम है तो दोनों वायर के दोनों पॉइंट्स है आपके बैसे कहाता मतलब नहीं कि करेंट जीरो फ्लो होगा जहां बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो होगा अरे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई एलिमेंट थोड़ी है बीच में जो कि कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे अगर वोल्टेज सेम है तब तो करंट जीरो फ्लो होगा कोई बात नहीं एक रेजिस्टेंस है ये एक आर है और अगर दोनों पॉइंट पे सेम वोल्टेज है लेफ्ट भी टेन वोल्ट और राइट भी टेन वोल्ट है अब यार कोई भी वैल्यू करंट जीरो फ्लो होगा इसमें क्या डरने की बात अब एक वायर है ये वायर के दोनों एंड तो सेम ही होते हैं यहाँ पे अगर आप ए लिख रहे हो तो ये ए ही होगा कोई बात ही नहीं है इसका तब तो थोड़ी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो एमपेयर हो जाएगी ये तो गलत कंसेप्ट है ठीक है चलो ओके तो हमको क्लियर है कि उस करंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था मैं बोला दोनों एक ही नोट है बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है इसलिए मैं दिया सॉल्व भी कर लें होंगे सबका अलग अलग तरीका भी होगा ये भी मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे किए होंगे हाँ लेकिन जितनी बातें मैं करूंगा उसके अंदर सब बातें कवर हो जाएगी उसको हटा देना हाँ मैं यहाँ पर था मैं बोला कि देखिए दोनों पॉइंट्स एक ही है आप नोट लगा रहे पांच ब्रांच लग रहा होगा पांच ब्रांच है नहीं चार ही है क्योंकि दोनों साइड के जो पॉइंट्स है अगर उस वायर को आप अगर मिला दोगे तो एक ही पॉइंट बन जाएगा बस एक ही करेंट गायब हो जाएगा ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से वी एक्स निकल जाएगा इस जगह का पोटेंशियल क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो अगर मैं इस तरीके से सोचता हूं तो देखो आपके पास फोर का मल्टीप्लाई कर लिया तो वी एक्स माइनस टेन फिर ये हुआ वी एक्स ये हुआ फोर वी एक्स और ये हुआ एट कितने हो गए सिक्स वी एक्स सिक्स वी एस इक्वल टू एटीन आ गया पता वी एक्स के लिए थ्री वोल्ट आ रहा है वीएक्स के लिए थ्री वोल्ट आ रहा है अब ये थ्री वोल्ट आ गया भाई वी एक्स के लिए थ्री वोल्ट आ रहा है ये थ्री वोल्ट आ गया ये थ्री वोल्ट कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं सर मेरे को आई डी करेंट लेफ्ट से निकालना है तो यहाँ से अगर लेफ्ट से निकालना है तो ये टेन है और ये थ्री है तो पता करेंट कितना फ्लोर है टेन माइनस थ्री सेवन बाई फोर एम पी ए करेंट रहा है यहाँ से कैसे निकला टेन माइनस थ्री तो सेवन बाई फोर ये कितना वोल्टेज यहां पे फोर ओम का सर ये थ्री वोल्ट है तो करेंट तो भी पता है इधर से आ रहा था सेवन बाई फोर इधर जा रहा है थ्री बाई फोर तो कितना डायवर्ट करेंट जा रहा होगा सेवन बाई फोर में से थ्री बाई फोर माइनस करोगे तो वन एमपियर आएगा तो डायवर्ट करेंट वन एमपियर आ गया दो ब्रांच को देखने से ये हुआ लेफ्ट से सीन करना इस वायर का करंट या शॉर्ट सर्किट पाथ का करंट निकालने के लिए दोनों करंट पता होना चाहिए था तो ये करंट निकल जाता मैं राइट से भी निकाल सकता हूं राइट में देखो टू एमपियर इधर आ रहा है कितना आ रहा है टू एम्पियर ये कितना आपके पास है वोल्टेज कितना है यहाँ पे थ्री वोल्ट ये कितना करंट हुआ थ्री डिवाइड बाय वन तो थ्री एमपियर मैं बोल रहा हूं टू एम्पियर इनकमिंग है थ्री एमपियर आउट गोइंग है तो एक और इनकमिंग कितना आना चाहिए दो में क्या ऐड करेगे थ्री आ जाए तो वन एम्पियर अब यहां से देखोगे इस नोट से देखोगे तो इन दोनों को देख के वन एमपियर आ रहा है वहां से देखोगे तो भी वन एमपियर आ रहा है कहीं से भी देखो वन एमपियर तो आएगा चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो बेसिक चीज क्या थी बेसिक चीज ये थी कि यार जब मैं नोट लगा रहा हूं तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसलिए जब वीएक्स पे नोट लगा रहा हूं तो एक साथ पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे वो जो वायर है वो एक ही है वायर के दोनों पॉइंट सेम है दोनों का वोल्टेज सेम है दोनों का वोल्टेज सेम है सपोज करो किसी को लगता है कि सर चार लिए अपन ये नहीं लिखे किसी को लगता है सपोज करो किसी का नेटवर्क बहुत ही वीक है मान लेते कि मेरे से जो लोग पढ़े उनका तो उतना नहीं होना चाहिए वीक बट अगर मैं बोलूँ कि मैं सर अगर उस जगह पर नोट लगाता तो मेरा ये आता देखो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर वी एक्स माइनस टेन बाई फोर बिल्कुल सही सर दूसरा करंट होगा सर वी एक्स बाई फोर बिल्कुल और सर उस उस पॉइंट पे नोट लगा रहा हूँ तो एक तो ये हो गया ए ब्रांच का करंट एक ये ब्रांच का करंट हो गया और ये प्लस आईडी हो गया नोट खत्म हो गया प्लस आईडी आईडी आई डी आउट बिल्कुल सही है ये कैसे एकदम सही है तीन ही ब्रांच दिख रहे हैं आप इसमें बिल्कुल सही है एकदम तीन ही ब्रांच दिख रहे हैं आपके पास डाउट करंट लिख दिए हो गया नोट खत्म है आप अगर मैं डायर्ट करंट लिख रहा हूं तो नोट खत्म है बोला तीन ही ब्रांच है फिर फिर मैं इस पर भी नोट लगा रहा हूं दूसरे वाले पे भी वोल्टेज तो सेम ही होगा तो वी एक्स वाई कितना हुआ वन टू एम इनकमिंग माइनस टू डाइवर्ट करेंट भी इनकमिंग है माइनस आई डी इक्वल टू जीरो इक्वेस नंबर टू है ये डायवर्ट करंट वहां के लिए आउट गएंगे यहाँ के लिए इनकमिंग है तो जब उस पर नोट लगेगा तो ये प्लस आई डी होगा जब इस पर नोट लगेगा तो माइनस आई डी होगा वन और टू को ऐड कर दो इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यही इक्वेशन आएगा जो मैं पहले स्टेप में लिख चुका था जिसमें डायवर्ट करेंट नहीं दिख रहा था तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायवर्ट करेंट और डायवर्ट करेंट गायब हो जाता है किसी भी वायर से जब आपको चाहिए तो फिर से वापस चले जाओ डायवर्ट करेंट निकालने ये ये मैं एक ही बार में लिख दिया था अभी देखो अलग अलग करके लिखा इक्वेशन नंबर वन लेफ्ट में नोट इक्वेशन नंबर टू राइट में नोट दोनों का ऐड कर दो डायवर्ट करेंट कैंसिल आउट हो गया तो बिना डायवर्ट करेंट के था तो थोड़ा सा नेटवर्क यूज किया इस तरीके से पॉसिबल है आपके पास कि किसी का करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है सर अगर ये करंट नेगेटिव आ जाता तो फिर हमारा डायवर्ट ऑफ तो एक्चुअली फिर जीरो एम नेगेटिव करंट तो होता नहीं जून डाइस ना डिवाइस है तो कोई अगर आपको डायवर्ट करंट निकालने को पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल बात पूछ रहा है क्यों क्योंकि आप ऑन एज्यूम करते निकालने पहुंचो पॉजिटिव आ रहा है आंसर है नेगेटिव आ रहा जीरो आंसर खत्म थर्ड तो कुछ होता नहीं तो कोई डायवर्ट करंट पूछ रहा तो अपने आप में एक ईजी क्वेश्चन हो गया ऑन एज्यूम करो और बढ़ जाओ अच्छा था कि कठिन वोल्टेज नहीं था तो और आसान हो गया नहीं तो फिर वोल्टेज भी लगा होता एक पहला तरीका आपके पास किस तरीके से आप सोच सकते हो और भी बातें करूंगा ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे किए होंगे सब लोग ऐसा नहीं किए होंगे क्योंकि चीज़ें आप कुछ जान भी चुके हैं दो तीन क्लासेस तो हो चुकी है तो सबके पास अपने अपने थॉट भी आ चुके होंगे अभी तक तो। देखिए जाए ध्यान से एक तो ये हो गया आपके पास दूसरा अगर मैं बोलूँ कि मेरे को मॉडिफिकेशन करने का बहुत नीड है ये तो हो गया सॉल्व देख लीजिएगा नेटवर्क यूज किया किचा करेंट लॉ यूज़ किया किसी को नेटवर्क मॉडिफिकेशन का बड़ा अगर लग रहा है कि मैं मॉडिफिकेशन कुछ कर सकता हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि टेन वोल्ट है ये फोर ओम है इस वोल्टेज सोर्स को मैं करेंट सोर्स में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ इस वोल्टेज सोर्स को मैं करेंट सोर्स में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ मतलब ये टेन बाई फोर होगा आपके पास टेन बाई फोर आपके पास हुआ मतलब टू पॉइंट फाइव एम करेंट हुआ करेंट सोर्स लगा दिया हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और ये फोर ओम जो है वो पैरल में आ गया ये फोर ओम करेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स टू करेंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिए इस वाले को और फोर ओम पहले से भी था जी बीच में डायवर्ट था ठीक है राइट साइड में वन ओम था और ये टू एम्पियर ठीक है तो जब मैं सॉल्व करता हूं तो आपको पूरी बातें नोट करना चाहिए चाहे आप सॉल्व सही कर चुके उसके बाद भी अब ये देखो फोर और फोर पैरल में तो फोर पैरल विद फोर कितना हो जाएगा टू तो फोर पैरल विद फोर टू हो गया आपके पास तो देख लीजिएगा अब मैं एक करेंट सोर्स रख रहा हूं इतने कम जगह में यूज कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो बोर्ड चेंज करना पड़ेगा ये फोर और फोर पैरल में टू ओम हो गया ये टू ओम हो गया और ये करेंट सोर्स जो था, था। ohm, वो टू पॉइंट फाइव एम्पियर था टेन बाई फोर ये टू पॉइंट फाइव एम्पियर टू ओम एक डायवोर्ड लगा हुआ है और राइट right साइड में भी करेंट सोर्स है ये टू एम्पियर और ये कितना था वन ओम देखो लेफ्ट साइड में भी पूरा करेंट सोर्स राइट साइड में पूरा करेंट सोर्स ऐसा पूरा बना लिया है राइट में करेंट सोर्स था उसको कुछ किया नहीं लेफ्ट में वोल्टेज सोर्स था पहले करेंट सोर्स में कन्वर्ट किया दो रेजिस्टेंस पहला में तो फोर ओ फोर टू हो गया इसको देखने के लिए बड़ा आराम से इसको इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इसको फिर से सोर्स ट्रांसमेशन अप्लाई करूँ तो टू ओम यहाँ जाएगा और टू पॉइंट फाइव ना फाइव वोल्ट बन जाएगा मतलब लेफ्ट का वोल्टेज फाइव वोल्ट है ये बीच में एक डायोड लगा हुआ है राइट साइड में भी वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो सकता है तो टू ओम और ये वोल्टेज आपके पास वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कितना आ गया आपके पास टू वोल्ट और ये कितना आ गया आपके पास वन ओम अब देखो पी साइड का पोटेंशियल फाइव वोल्ट से कनेक्टेड एन साइड का टू से तो डायोड तो ऑन होना ही है तो डायोड आपके पास यहां से निकालना है तो डायोड ऑन होगा बाय डिफॉल्ट दिख रहा है और डायोड अगर ऑन होगा तो एल लगा दो तो डायोड करंट आ गया फाइव माइनस टू थ्री थ्री डिवाइड बाई फोर मतलब आपके पास कितना आ गया थ्री बाय थ्री वन एमपीयर यह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया पूरा फिगर को सोर्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया पहला स्टेप इस वाले को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया वोल्टेज सोर्स टू करेंट दूसरा स्टेप या दो फोर को पैरेलल में थे तो पहले टू बना लिया फिर थर्ड स्टेप आपके पास ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था दोनों साइड वोल्टेज सोर्स हो गया आपके पास दोनों साइड वोल्टेज सोर्स हो गया उसके बाद बहुत आराम से दिख गया क्योंकि ये फिगर में किसी को प्रॉब्लम जाती है ये जो लास्ट वाला फिगर है एक डायवर्ड बीच में दोनों साइड वोल्टेज है क्यों नहीं पता चलेगा डायवर्ड ऑन है ऑफ पी साइड का पोटेंशियल ग्रेटर साइड पोटेंशियल यहां पर रेजिस्टेंस कुछ नहीं करता सीरीज में रहेगा वो रेजिस्टेंस के कारण सिर्फ करंट कम और ज्यादा हो सकता है ऑन ऑफ को चेंज नहीं कर सकता जो डायवर्ट के सीरीज में लगा हुआ है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आज का पहला था संट में लगाया था मैं रेजिस्टेंस को तो सब चीज आपको नोट करना आपके पास जो थॉट है उसके बारे में देखते जाना है आपको ये एप्लीकेशन ऑफ सोर्स ट्रांसमेशन हो गया एप्लीकेशन ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सिर्फ सोचना समय ही किया पूरी देर तक में स्टार्ट से एंड तक जब तक ये लास्ट फिकरना बन जाए तो फाइव टू ओम उधर टू वोल्ट और वन ओम सोच टा में डायरेक्शन डायरेक्ट जो करंट होता है वो वोल्टेज की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है प्लस साइड में एरो होगा ठीक है बोर्ड में चेंज करता हूं ये टेन वोल्ट था ये फोर ओम, ये फोर ओम, ये डायोड ये वन ओम, और ये था हमारे पास टू एम्पियर जी ये।, ये वन ओम, ये मैं किसी को बोल रहा हूँ कि इतना सारा फिगर है हमारे पास क्यों ना एक डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ से पड़े और मैं बोलूँ कि इस पूरे को लोड के समान बिहेव करवा लेते पूरा लोड है मान लेते चलो पूरा लोड और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खड़े हो कि वी और आर देख रहे आर टी तो कुछ नहीं यहाँ से सीन अगर आर का कर रहे तो भाई इंडिपेंडेंट सोर्स रिमूव होता है फोर और फोर का पैरल टू हो गया फोर पैरल विद फोर टू ओम इंडिपेंडेंट सोर्स रिमूव मतलब वी टी एच में ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल रहा हूँ मैं इस जगह पे खड़े होकर तो दोनों सीरीज में आ गए सीरीज में इसलिए आए क्योंकि ओपन सर्किट निकाल रहा हूँ ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो फ्लो होता है तो दोनों सीरीज में क्योंकि दोनों में करंट सेम फ्लो होगा अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से टेन जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा फोर ओ फोर में तो फाइव वोल्ट आ जाएगा इसका मतलब है कि हमारा वी थे एच इक्वल टू फाइव वोल्ट और आर टी एच इक्वल टू फोर ओ फोर का पैरल टू ओम ये आर टी एच की वैल्यू है ये टू ओम उसका डायोड लगा हुआ था राइट साइड में अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में वन ओम हो गया और ये टू वोल्ट हो गया तो राइट साइड में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हमें और लेफ्ट साइड में थेमी लगा दिया तो फिगर वही बन गया आपके पास फाइव माइनस टू और डायवर्ट करेंट की वैल्यू आ गई ये डायवर्ट करेंट की वैल्यू फाइव माइनस टू डिवाइड बाई थ्री तो वन एमपियर ये एक तरीका कोई बोल सकता है कि सर कैसा पॉसिबल है कि राइट right साइड में जैसे ये फोर ओम था इस साइड में आपके पास ये टेन वोल्ट था ये ये फोर ओम था यहाँ पे भी फोर ओम ये डायोड था यहां पे एक रेजिस्टेंस वन ओम और करेंट सोर्स आपके पास टू एमपियर ये वन ओम कैसा पॉसिबल है कि जब आप बोले कि यहां से सीन कर रहे जब जब यहां से सीन कर रहे हैं तो राइट वाला जो हो गया ये लोड हो गया और यहां से सीन करते हुए वी टी एच और आर टी एच निकाल लिए कैसा पॉसिबल है कि हम यहां से सीन करें और इधर वाले को लोड मान ले बिल्कुल पॉसिबल है और यहां से वीटीएच और आरटीएच निकालने की कोशिश करें मतलब दोनों साइड थिवनी लगा दे एक बार इसको लोड मान ले एक बार इसको लोड मान लें कुछ भी कर सकते जब आपको आता है तो अगर मैं इसको पूरा लोड मान रहा हूं लेफ्ट वाले को और इसमें लगा रहा हूं इतने में तो मैं आरटीएच क्या निकालूंगा आरटीएच जो होगा करेंट सोर्स ओपन हो जाएगा सिर्फ वन ओम दिख रहा है आपको आरटीएच वीटीएच क्या होगा अगर मेरे को वीटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो टू इसी में फ्लो होगा क्यों क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज है तो करंट तो जीरो है जब निकाल रहे हो आप थे वोल्टेज तो टू एमपियर इसी में फ्लो हो रहा है तो टू वोल्ट आ रहा है थे वोल्टेज तो थे वोल्टेज यही वाला आ जाएगा टू वोल्ट आ जाएगा थे वोट आर टी आ जाएगा वन हो दोनों साइड में आप भी अप्लाई कर सकते हो आपको बस सीन वाला पार्ट पता होना चाहिए जब मैं यहां खड़ा हूं तो पूरा लेफ्ट वाला लोड और जब यहां से सीन कर रहा हूं तो पूरा राइट वाला लोड कर कुछ भी सकते हैं जबरदस्त बस आपको आना चाहिए टेक्निकल चीजें तो नोट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैं पहले ही बता रहा हूं किसी क्वेश्चन के आंसर से कभी भी जिंदगी दबदर नहीं होती है आप कितना बेहतरीन हो कितने देर तक होल्ड कर सकते हो यही डिसाइड करे लाखों की भीड़ में किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आने से ना कोई सक्सेसफुल होता है ना ना बनने से कोई फेलियर होता है कितना बेहतरीन आप फील रखते हो टेक्निकली यही मैटर करेगा एक दिन वो काम आता है एक नए क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस के समय तो आपको नोट करना चाहिए आपको यह लगना चाहिए कि सर थे दोनों साइड लगा सकते थे क्या तो आंसर इज यस तो जिन लोगों का वन एम्पियर आया था कुछ लोग थे यूज किए भी होंगे लेफ्ट साइड में पहला वाला थे जो मैं लगाया हूं क्योंकि हमको पता था कि हम लगा सकते क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम यूज किए एक दो क्लास में तो थियोनिन का अपलीकेशन ये है कि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान कर देता है और हो सकता है क्वेश्चन सेकेंड्स में खत्म हो जाए और नहीं लगाना आपको तो पहला तरीका तो सॉल्व किया बोर्ड में रखा है पहला तरीका एक वायर का करंट निकाल था जैसे शॉर्ट सर्किट करंट निकालते थे वोल्टेज वोल्टेज एज्यूम किया मैं थियोनिन करने से कॉम्प्लेक्सिटी कई बार आसान हो जाती है क्वेश्चन खत्म हो जाता है एकदम सिंपल फिगर बन जाता है ये एडवांटेज है हाँ डीपीपी में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ रहा हूँ मैं तो लाइव क्लासेज वालों के पास डीपीपी होगा यूट्यूब वालों के लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड में लिख देता हूँ इसको बैठा दे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ रहा हूं मैं डीपी भी करना स्टार्ट किया कल तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तो कल तो अगर आप कोई भी अगर थोड़ा भी अगर इस टाइम को यूज कर लिया होगा तो मेरे को लगता है कि पूरा डीपी भी कर लिया होगा एक या दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब बन गए होंगे आंसर की मैं नहीं दिया हूं कल दे दूंगा आंसर की है ना तो किसी दिन अगर कभी कोई क्लासेस नहीं हो रही तो उसको सबसे बिग एडवांटेज के फॉर्म में लेना है आपको आपको सोचना है कि वो टाइम आपका मिल गया और आपको अपना जो भी पूछे पीछे का बचा होगा रिवीजन का बचा होगा जो भी आपका सबका अपना अपना फॉर्म होता है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें है ना इस चीज़ को ध्यान रखना आप ठीक है तो जितने भी यूट्यूब वाले लोग लाइव वाले लोग के पास तो है एक क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है फिगर का अरेंजमेंट अच्छा था एनलॉग सर्किट में हर बार वो लोग सिर्फ अरेंजमेंट के साथ ही खेलते इतने सालों का पूरा स्टोरी यही है तो आपके पास एक साइनोसोडल सिग्नल था जिसकी वैल्यू सिक्स पाई सिक्स पाई साइन ओमेगा टी है सिक्स पाई साइन ओमेगा टी ये और यहां पे था टेन किलो, ठीक है ये ए पॉइंट बना हुआ था यहां पे, यहां पे बी पॉइंट बना हुआ था ए को प्लस लिखा था बी को माइनस लिखा था उसके बीच का वोल्टेज वी ए बी लिखा हुआ था ठीक है वी ए बी ये डाइवोड डी वन है और ये डाइवोड डी टू है ये टेन किलो ओम और ये ट्वेंटी किलो हूँ ये ये टेन किलो ओम ट्वेंटी किलो ओम ये टेन किलो ओम ये वी ए बी डी वन और डी टू डायवर्ट और डी वन और डायवर्ट आइडियल डायवर्ट था कुछ मैंसन में था आई टी के प्रोफेसर नॉर्मली मैंसन कर देते ठीक है और ना भी मैंसन हो तो बाई डिफॉल्ट आइडियल डायवर्ट लेकिन फिर भी बहुत ही कम देखा गया है कि आई के प्रोफेसर मैंसन ना करें ऐसा बहुत ही कम देखा गया है हाँ बाकी एग्जाम में मेंशन नहीं करते लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज या जो भी वैरायटी ऑफ एग्जाम देते हो आप बाय डिफॉल्ट आइडियल डायोड हमसे पूछा क्या गया था बोला कि एवरेज वैल्यू बता दो वी ए बी का इस में आंसर टाइप था एवरेज वैल्यू ऑफ वी ए बी बोला था एवरेज वैल्यू ऑफ वी ए बी ये।, ये था आपके पास एवरेज वैल्यू मैं बोलता हूं एवरेज वैल्यू क्यों निकाले हम एवरेज हमसे तो पूछा गया था मैं बोलता हूं आरएमएस वैल्यू भी निकालते हैं अपन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम दो चीज निकालेंगे तो पूछा गया एग्जाम का एवरेज वैल्यू था इस क्वेश्चन में अपन भी बात कर लेते हैं कंसेप्ट अगर मैं बात करूं कि एवरेज वैल्यू अगर मेरे को किसी का भी फाइंड आउट करना है वी ए बी का एवरेज वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ़ वी ए बी एकदम क्लियर है ना जी एवरेज वैल्यू जो होता है वन अपॉन टाइम पीरियड जीरो टू टू वी ए बी डी टी इसी को अगर मेरे को उसमें लिखना है अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी में वन अपॉन टू पाई जीरो से टू पाई वी ए बी जो भी आएगा और डी ओमेगा टी ये आप बोल सकते हो कि एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड विद एवरेज वैल्यू आर एम एस वैल्यू की बात करते हैं रूट मीन स्क्र वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ ये सिंपल सा डेफिनेशन कोई ये नहीं बोल सकता कि सर ये तो मेरे को आइडिया नहीं है सिविल वाले को भी पता होना चाहिए और मैकेनिकल वाले को भी पता होना चाहिए एवरेज और आर वैल्यू किसी भी इंजीनियर को पता होना चाहिए उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच की नीड नहीं है ये तो पहले तो मैं एवरेज और आरएमएस लिख दिया वैसे तो मैं नेटवर्क में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जितने लोग भी ऑफलाइन वाले लोग लाइव वाले लोग बट फिर भी यूट्यूब भी एक साथ चल रहा है तो इसलिए लिख दिया मैं। कुछ लोग हो सकते हैं यूट्यूब में पहली पहली बार ही में को देखने आया हूँ बस तो एवरेज और आरएमएस वाले लिखा हुआ तो एवरेज वाली एरिया पान टाइम पीरियड होते हैं डिपेंड करता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में साइनोसल के फॉर्म में चल रहा है तो फिर लिमिट जब जीरो से टू पाई है तो डी ओमेगा टी इंडिकेशन होगा और अगर कोई नॉर्मली आपके पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है ट्रैगुलर या स्टार्ट होती हुई फॉर्म नॉर्मल टाइम पीरियड की बात चल रही है तो फिर डी टी द इज नो इशू फिर मैं आर एम एस के बारे में थोड़ी सी और बात कर दूंगा ये एक्स्ट्रा बातें करना चाहता हूँ क्योंकि इतना ही पूछ सकते वो लोग कैरेक्टरिस्टिक से कि सिग्नल की पूछने के लिए क्या ही होता है एवरेज वैल्यू आर एम एस वैल्यू ठीक है तो आराम इसके बारे में और भी बात करूंगा अभी तो मैं वर्किंग पे आ रहा हूं कि क्वेश्चन दिया गया आपके पास ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एक नॉर्मली स्टूडेंट से जल्दी से नहीं बनते क्योंकि वो थोड़ा सा डरता और हड़बड़ाता भी है क्योंकि ज्यादा देर तक वो रुक नहीं पाता इसलिए भी उसको सिर्फ उतना ही आता है एक नॉर्मल सा डायोड एक रेजिस्टेंस पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ बस उतना ही मैक्सिमम कंफर्टेबल रहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी एप्पियस होते हैं एग्जाम में 90 परसेंट लोग का सिर्फ इतना ही रहता थोड़ा सा भी डायोड के साथ इसलिए वो लोग उनको भी पता है इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ करते नहीं या सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं तो एक से एक अगर बुक देखोगे स्मिथ या डोनल्डी मेन एक से एक बुक आती है उसमें जो अनसॉल्व क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है लेकिन पच्चीस साल में ऐसा कोई कुछ पूछा ही नहीं किसी से क्योंकि उनको लगता है कि जरूरत ही नहीं है नहीं बनता लोगों से करके तो टफ क्वेश्चन पूछते ही नहीं कभी भी छोटे से अरेंजमेंट के साथ घुमाने की कोशिश करते ये स्टोरी आज तक की है तो सबसे पहले तो आपको लगना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो आप आराम से हैंडल कर लोगे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको नया चीज़ दिखे आसान कितना भी हो, लेकिन नया होना चाहिए एग्जाम के दिन अब जैसे ये आपके पास क्वेश्चन ये भी दिख रहा होगा आपको वोल्टेज वी का मतलब तो पता ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस वी का मतलब तो पता ही होता आपके है आपके पास इलेवंथ क्लास से कि वी ए माइनस वी बी वैसे तो वहाँ लिखा भी ए प्लस और बी माइनस बट फिर भी सबको पता होता है दी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फर्स्ट सब्सक्रिप्ट जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है सेकंड सब्सक्रिप्ट जो होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है द मीनिंग ऑफ वी एक्चुअली तो पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी तो वी ए माइनस वी भी लिखा है वैसे फिगर में ए प्लस और वी माइनस बना ही था तो कोई बात नहीं है अब देखिएगा ध्यान से ओवरऑल वो सब चीज़ उसमें कुछ नहीं होता है एवरेज आ रहे हैं नहीं पता तो भी पता चल जाता है इंपॉर्टेंट है कि आप एक वर्किंग को कैसे लेते हैं साइनस सिग्नल में किसी को भी ऐसा साइन बनाने की जरूरत नहीं कोई बना रहा है तो अच्छी बात है नहीं बना रहा तो भी सही बात है पाँच परसेंट केसेस में आई वाले पोलारिटी ऐसी बनाते हैं नाइन्टी फाइव केसेस में कोई साइन का पोलारिटी नहीं बनाता तो आप ऐसा ना हो कि आप पोलारिटी ढूंढ रहे हो साइनस को जरूरत नहीं उसके बाद दोनों वैल्यू है पोलार्टी लिखने की किसी को जरूरत नहीं होती है उसके पास ऑलरेडी है इस चीज़ को क्लियर है हम अब मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल सिक्स ओमेगा टी इंटरेस्टिंग है कि मैग्नीट्यूड में पाई भी है तो ठीक है तो सिक्स टी साइनोमेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों की हम बात कर लेते वही तो वर्किंग के पास दो ही साइकिल होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा वो देख लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा वो देख लेते हैं इंटरेस्टिंग बात है कि कोई वोल्टेज भी नहीं है डायोड के इस साइड में जैसे कि कोई कंपेयर भी हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपनी वर्किंग हो जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्किंग हो जाएगी रेफरेंस होता तो कंपेयर भी होता तो रेफरेंस का ना होना ये आपके लिए एक एडवांटेज है अभी तो ऊपर से डायोड प्रैक्टिकल भी नहीं है कि उसकी कटिन वोल्टेज से भी कंपेयर करो डायोड आइडियल है तो डायोड का आइडियल होना फिगर में रेफरेंस का ना होना ये आपके लिए एडवांटेज है बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है डायोड और रजिस्टर मिलकर दोनों मिलकर आराम से हैंडल कर लेते तो उनको जरूरत नहीं रेफरेंस वोल्टेज की भी अब जैसे ये क्वेश्चन है पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए नीचे कोई रजिस्टेंस नीचे कोई वोल्टेजेस नहीं है सिर्फ रजिस्टेंस है तो जैसे मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू इससे कनेक्टेड होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू से कनेक्टेड होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ की इनपुट की जो भी नेगेटिव वैल्यू वो इससे कनेक्टेड होगा तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ ऐसा लिख लेना चाहिए आपको वी आई एन इनपुट वोल्टेज लिख ली भाई सिक्स पाई साइन ओमेगा टी लिख ली इनपुट वोल्टेज अब मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज आपके पास है सिक्स पाई साइन ओमेगा टी ये इनपुट वोल्टेज है ये आपके पास है वर्किंग ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है जीरो से पाई और टू पाई टाइम पीरियड इज टू पाई किसी भी साइनस होटल सिग्नल्स का ये ये वी इनपुट टी ये जीरो लिखा हुआ ये वेव फॉर्म अगर मैं बोलूँ कि साइनस होटल का वेव फॉर्म में ये बना रहा हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है देखना ध्यान से मैं ऐसा लिख रहा हूँ ये देखो ये लिख रहा हूँ टी बाई टू और ये लिख रहा हूँ टी और ये लिख रहा हूँ टी ये जीरो ये वी इनपुट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बहुत आर सेम दोनों सेम है बोल रहा हूँ ये ओमेगा टी की वैल्यू कितना है यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू पाई है जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होता है ये या ओमेगा टी की वैल्यू टू पाई ये देखो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है इलेवंथ क्लास से पढ़ रहे है टू पाई बाई टी पता है ना तो टू पाई बाय टी लिखा मैं पता आपके पास टाइम कितना होता है जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होता है पाई कैंसिल आउट हो गया भैया इसी को टी बाई टू बोलते हैं टाइम में जो ओमेगा पाई होता है ये ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाई टी इन टी इक्वल टू टू पाई इसका तब टाइम में वो क्या होता है हाँ टाइम में क्या होता है टी इसे टाइम पीरियड टी को ही टू पाई बोलते हैं रेडियन में ये एक्सिस में ओमेगा टी रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का यूनिट ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई है सेकेंड कैंसिल आउट ओमेगा टी का यूनिट क्या हो गया रेडियन यहाँ पे सेकेंड बस इतना ही डिफरेंस है बहुत आर सेम दोनों की चीज है तो इतनी छोटी छोटी जो स्टोरी होती है इतनी छोटी छोटी स्टोरी कभी कभी ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है पता चला कि हम पाई और टू पाई लिखते हैं एग्जाम में देखे कि और ये तो टी बाई टू और टी दिया उसी में परेशान हो गए हम लोग कि अब क्या करें करके तो छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है टेक्निकल चीज़ों का इसलिए नहीं तो इन जनरली बी के चार साल पढ़ते पढ़ते या बी करते करते फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के साथ ये सब स्टोरी चालू होना चाहिए तो ठीक है क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं आई होप आपको क्लियर हो गया तो अगर एग्जाम में ये फिगर बना है या ये फिगर बना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है भैया दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक टाइम सेकंड में और एक ओमेगा टी रेडियन में आर सेम क्यों बोर्ड में लिख दिया हूं क्यों सेम है इसलिए आप सामने सोचने लगा टाइम पीरियड टू पाई टू पाई टू पाई चिल्लाते हो ठीक है हमारी बात चल रही थी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बोले इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा तो बोले डी वन के पी से कनेक्टेड एन में तो कोई रेफरेंस वोल्टेज है नहीं तो आसान बात यही होगी तो डी वन क्या होने वाला है ऑन और डी टू क्या होने वाला है ऑफ क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज नहीं है ये आपके लिए एक एडवांटेज है तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मैं यही पर लिख सकता हूँ क्या लिखता हूं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जीरो से लेके ओमेगा टी पाई और इसी को लोग ऐसे बोल सकते आई टी के प्रोफेसर जीरो से लेके टी बाई टू दोनों को डिफरेंस नहीं कोई डिफरेंस नहीं सर हाँ तो पॉजिटिव साइकिल में डी वन क्या हो गया डी वन ऑन और डी टू ऑफ आपको तो वी ए बी की वैल्यू चाहिए अगर आपके पास डी वन ऑन हो गया ये डी वन ऑन शॉर्ट सर्किट और ये डी टू ऑफ हो गया जी ये ऑफ और ये ऑन बीच मेरा डिस्टेंस लगा हुआ है टेन किलो ये टेन किलो लो और मैं वी ए बी अपनी स्टाइल से लिख रहा हूँ जैसे अपन लिखते हैं वी ए बी ये इधर कितना लगा टेन किलो इधर लगा ट्वेंटी किलो अब वी ए बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इनपुट क्या होगा इनपुट लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा है बाद में हमको पता है इनपुट की वैल्यू क्या है ये सिक्स पाई साइनों में कट ओके ये टेन किलो ओम है और ये ट्वेंटी किलो ओम ये ऑफ का मतलब ये बना लेना चाहिए हमें सर प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत ही सही बात है तो फिका बना लिया हम लोग इक्विलेंट सर्किट बार बार बनाते हैं हम लोग सर्किट जो है वो प्रैक्टिस ऑफ इक्विलेंट सर्किट है चाहे बीजेटी पढ़ रहे हो चाहे डायवर्ट पढ़ रहे हो चाहे मॉस्पिट पढ़ रहे हो ओपन पढ़ रहे हो कुछ भी पढ़ रहे हो अपन जितना ज़्यादा आप लिखोगे जितना ज़्यादा आप इक्विलेंट सर्किट बनाओगे बार बार इन्वॉल्व रहोगे उतना ही गुड होगा सर्किट बनाते बनाते आधी चीज़ें आना चालू हो जाती है क्रिएटिविटी अपने आप तो आएगी नहीं एकदम कि आप सोचोगे और आपको समझ आएगा कि मेरे को क्या करना है सर्किट बनाते बनाते आना चालू होता है इस सब्जेक्ट का यही है कि जितने में इतना सर्किट बनाया तब तक कुछ कुछ माइंड में आना भी चालू होगा कि मैं क्या करने वाला हूं अब देखो वी ए भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है भैया वीए बी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है टेन ओम का अब देखो अब इस इसको कोई सिखा नहीं सकता है कि एक नॉर्मल नेटवर्क में करंट जीरो होगा वोल्टेज इसका जीरो वोल्ट है इसके बाद आप सोचते कैसे हो ये सबका इंडिविजुअल होता है और इसी के कारण डिफरेंसेस क्रिएट होता है चाहे मैं पढ़ाऊँ कितने भी लोगों को लेकिन सब लोग एक समान सोचे ऐसा जरूरी नहीं क्योंकि मैं कितने जीरो जीरो और जीरो वोल्ट के बारे में बात करूंगा अभी तो स्टूडेंट का है कि अगर सर ये जीरो वोल्ट है अब तो स्टूडेंट का पार्ट है कि सर ये जीरो वोल्ट है और ये वी इनपुट है तो वी इनपुट इतना पूरा है इसमें से जीरो वोल्ट है तो तो सर ये वी इनपुट तो इसका वोल्टेज हो गया ये बात तो वो स्टूडेंट की इंडिविजुअल बातें ये कितना है जीरो वोल्ट ऑन है ना यार तो इसका वोल्टेज कितना होगा सर जितना इतना होगा पहला में तो वोल्टेज सेम होता है ना सर अगर ये वी इनपुट है और आपको इसको निकालना है इधर से करंट कितना आ रहा है जीरो तो पता है इसमें अगर एक आई करेंट फ्लो रहा है तो इसमें भी तो आई करेंट फ्लो होगा इसका तभी दोनों सीरीज में तो वी ए बी की वैल्यू निकल गई फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है वी इनपुट मल्टीप्लाई होगा किस में जिसके लिए निकाल रहे हैं मतलब टेन में डिवाइड बाई सर टेन प्लस ट्वेंटी मतलब कितना आ गया सर वी इनपुट बाई थ्री आ रहा है ये वी ए बी की वैल्यू आ गई ये इंपॉर्टेंट है कि वी इनपुट बाई थ्री आपको दिख रहा है कि नहीं और जैसे किसी का नेटवर्क एकदम ही खतरनाक है एकदम निपटा हुआ है तो उसको बहुत इंटरेस्ट होता है कि सर इस टेन के लोम का क्या हुआ इस टेन किलोम का क्या हुआ इसलिए ऐसा वो सोचता है क्योंकि उसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए टेन किलोम इंपॉर्टेंस होगा कुछ लोग तो डिवाइडर रूल ही खतरनाक कर देते हैं टेन का मल्टीप्लाई किया टेन टेन ट्वेंटी वोल्टेज डिवाइडर रूल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया कर कोई कुछ भी सकता है वी इनपुट डिवाइड हो रहा है तो जो पहला वाला टेन किलोम है उसका खुद का वोल्टेज भी इनपुट है यार उसका खुद का वोल्टेज वी इनपुट है वो डिवाइड हो रहा है सबको ना क्लियर देखो जरा ध्यान से नहीं तो फिर आप केवीएल करेंट निकालो आई आई कितना निकलेगा वी इनपुट डिवाइड बाय थर्टी फिर इसका वोल्टेज कितना होगा करंट इन टेन किलोम तो भी वही आंसर आएगा आप केवीएल लगा लो तो वी इनपुट बाय थ्री आना चाहिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आपको देखना चाहिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है वो देख लो सर्किट डायग्राम बड़े ध्यान से बनाते रहिए आप सर्किट डायग्राम एकदम ध्यान से बनाते रहिए अगर मैं स्टूडेंट होता जब मैं पढ़ता था तो मैं स्टूडेंट होता, था, तो, होता था, तो मेरा जो प्रॉब्लम होता क्योंकि मैं तो अपने आप आपको जानता हूं ना जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता वो टेन किलोम क्योंकि मैं वीक स्टूडेंट था इन सब चीजों में तो मेरे को पता है कि वो टेन किलो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होता क्योंकि कोई कितना भी बोले कि केवीएल एक आसान होता है लेकिन मैं जानता हूं कि जब जब अपनी केवीएल अपनी जगह पे अपनी सिचुएशन पे आता है तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को फियर क्रिएट कर ही देता है वो तो तीन रेजिस्टेंस है दो में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है दोनों में करेंट सेम है वो जो दस और बीस है बाजू वाले राइट वाले अगर मैं बोलूं कि ये जो टेन इनपुट जहां पर लिखा है ये टेन किलोम उस वाले टेन किलोम के साथ कैसे कनेक्टेड है सीरीज और पैरेलल दोनों टेन किलोम किसमें कनेक्टेड है सीरीज और पैरेलल दोनों टेन किलोम देखो जरा ध्यान से लो आप पहले सुन लिया करो ना मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना करो कि मैं क्या पूछा और क्या बोल रहा था फिगर में दो टेन किलोम दिख रहे आपको मैं बोला कि दोनों टेन किलोम किसमें कनेक्टेड है सीरीज और पैरेलल और बोथ और नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल क्लियर है हमको एकदम दोनों में करंट सेम नहीं हो सकता क्यों ऊपर से डायोड करंट आ रहा है भाई डायोड ऑन है यार ऊपर से डायोड करंट आ रहा है तो दोनों टेन किलोम में सेम नहीं हो सकता ओके ये क्लियर है हमको तो नाइदर सीरीज नॉट पैरल है वो दोनों सीरीज में टेन और ट्वेंटी डिवाइडर वो लगाओ उसमें और इनपुट वोल्टेज जो है वो टेन ओम का है चलो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बातें हो गई नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा अगर बोले नेगेटिव हाफ साइकिल में तो कुछ नहीं सर जो ऑन था वो ऑफ हो जाएगा जो ऑफ था वो ऑन हो जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं इस फिगर में डायवर्ट का ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लमेटिक नहीं था उस सर्किट को अरेंजमेंट जो था जिसको आप हैंडल करने वाले वो इंपॉर्टेंट चलो मैं बोर्ड चेंज कर रहा हूँ डिवरी नेगेटिव हाफ साइकिल बोल देता हूँ डिवरी नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से लेकर टू पाई ये क्या हो रहा है डिवरी नेगेटिव हाफ साइकिल सर डी वन सर ऑफ डी टू ऑन ठीक है D1 वन ऑफ पहला वाला ऑफ कर दो D2 टू ऑन कर दो ये ये 10 किलो ये वी ए बी अच्छे से लिखना एकदम ये 10 किलो ओके okay, ये ये सर 20 किलो ये 10 किलो ये इनपुट बनाया मैं ये फिगर सही है ऑफ और ऑन ये देखो किसी को डाउट स्पीकर में किसी को डाउट स्पीकर में किसी को वी इनपुट का पॉलाइटी चेंज करने का मन तो नहीं कर रहा अरे नहीं ना पहली क्लास से हो यार पहली क्लास का शुरू के आधे घंटे में मैं बोल चुका हूँ कि अगर आप वी इनपुट यूज़ कर रहे हो तो आपको पोलारिटी चेंज नहीं करना है तो आप रिस्पॉसिबल हो गए ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा फिर अगर आपका बहुत मन करता है नेगेटिव हाफ साइकिल में वी इनपुट का पोलारिटी चेंज करने का तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा कभी भी मैं चेंज नहीं करता हूं कभी जब तक कि वैल्यू ना लिखूं मैं अगर मैं वी इनपुट लिख रहा हूं तो चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है मेरे को पता है वी इनपुट नेगेटिव है ऊपर हेडिंग है नेगेटिव हाफ साइकिल अब बात ये हो रही कि वी ए बी की वैल्यू क्या होगी तो वी ए बी की वैल्यू अभी मैं बोलूँ कि इन टर्म्स ऑफ इनपुट क्या होगा तो सब लोग नहीं बता सकते कुछ ही लोग बता सकते फिफ्टी परसेंट लोग भी नहीं बता सकते मुश्किल से दस परसेंट पंद्रह परसेंट लोग बता सकते कि VAB वी ए बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इनपुट क्या होगा सिर्फ दस पंद्रह परसेंट यह अभी से मैं बता दे रहा हूँ जबकि है कुछ नहीं उसके बाद भी क्योंकि हमारे फंडामेंटल वाली जो चीज़ है उसमें उतना स्ट्रोंग वाला पार्ट फीलिंग नहीं है सबका डरते हैं लोग हुआ कुछ नहीं छोड़ दे पहले वो सिंपल डिवाइडर रूल था ये पहला फिगर अभी दूसरे फिगर में आ गया क्या आ रहा है वैल्यू जी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी ए, क्या आ रहा है करके देखो आपके पास ये नेगेटिव साइकिल चल रहा है आ, ये वोल्टेज जीरो है, तो इसका वोल्टेज ट्वेंटी किलोम का वोल्टेज कितना हो गया ट्वेंटी किलोम का वोल्टेज कितना हो गया वी इन कैसे ऐसे ऊपर जीरो है ना इधर आ गया ये ट्वेंटी किलोम का वोल्टेज अब अब ये वी इन इन दो में डिवाइड होगा तो वी ए बी की वैल्यू कितना है तो वी इन in 10 टेन अपॉन टेन प्लस टेन तो यह आ गया वी इनपुट बाई टू और वी ए बी की वैल्यू सर माइनस वी इनपुट इंटू टेन अपॉन टेन प्लस टेन ठीक आ गया माइनस वी इनपुट बाई टू दोनों टेन टेन है अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि एक से और एक गलत है ये ध्यान से को आप जिस जगह से फाइंड आउट कर रहे हो देखो ध्यान से क्या रहता है आपके साथ सही हो रही है गलत है बड़ा नॉर्मल इस ऐसी जगह पे गलत होना अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्या है बताओ आपके पास ये देखो टेन किलो ओम था इधर कितना है टेन किलो ओम इधर कितना है यहाँ वोल्टेज कितना है यहाँ पे देखो यहाँ वोल्टेज कितना है वी वीन यार ये वीन हटा दिया उस रजिस्टेंस को ये वीन है यहाँ पर कितना था टेन किलोम ओके यहाँ कितना था टेन किलो यहाँ से अगर मैं केवियल लगाऊँ तो करेंट कितना निकलेगा आई की वैल्यू वीन डिवाइड बाई टेन प्लस टेन वीन बाई ट्वेंटी आ रहा है करेंट कितना आ रहा है वी इन बाई ट्वेंटी ये तो सही बात है ये के वी लगा दिए अरे के वी लगा दिए बट वी ए भी देखो जहाँ से क्या लिखा हुआ है वी ए भी ओम स्लो आता सभी को ये देखो वी ए भी ये देखो ये, ये। करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस ये आपको क्लियर होना चाहिए ओम स्लो ये जिंदगी है एक नॉर्मल सी ये आर ये वी ये आई वी की वैल्यू आई आर ये पाँच बार देख सकते हो आप इसको ये आर ये ये करंट आई फ्लो हो रहा था बट पोलारिटी ये नहीं थी पोलारिटी ये थी आपके पास पता वी की वैल्यू कितना है पता आई की वैल्यू वी इनपुट बाई ट्वेंटी है वी ए बी की वैल्यू कितना होगा आई इंटू टेन नहीं है टेन इंटू आई नहीं है पोलरिटी है ध्यान से एक्चुअली माइनस टेन आई है तो पता आंसर क्या हो गया माइनस वी इनपुट बाई टू हो गया तो ये आपके पास सही था और ये गलत था ऐसा होना बड़ा लाजमी है ऐसी मिस्टेक्स ओवरऑल कहाँ की मिस्टेक होगी लाइफ का जो पहला पार्ट होता है ओम्स लॉ हम हमेशा वोल्टेज डिवाइडर रूल जब भी लगाए हम वोल्टेज हमेशा लेफ्ट में था और राइट में डिवाइड किए इस बार राइट में और लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हैं आपके पास ये चेंज हो गया लेफ्ट और राइट करने से कोई कितना भी एक्सपर्टीज हो आपके पास कार वगैरह चलाता हूँ अब जब बाहर जाओगे आपके पास तो लेफ्ट राइट चेंज जाएगा आपका आप कितने भी एक्सपर्टीज हो आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे इंडिया के बाहर कार चलाने में कुछ दिन लगेंगे आपको तो कंफर्ट वाली बात है अब हर बार जब भी डिवाइडर रूल लगाते थे लेफ्ट से राइट के जितने भी एलिमेंट्स होते थे उसमें डिवाइड कर देते थे अभी वोल्टेज ही राइट में था इसलिए किसी से माइनस साइन इग्नोर हो सकता है देखो ज़रा ध्यान से क्या आ गया आउट वोल्टेज माइनस वी इनपुट बाई टू आ गया आ रहा है ना देखो जरा ध्यान से वी ए बी की वैल्यू पहले में कितना आया था है? तो अगर मैं बोलूं कि देखो वी ए बी की वैल्यू क्या है वी ए बी की वैल्यू ना पहले में था वी इनपुट बाई थ्री वी इनपुट बाई थ्री था कब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल हाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना आया माइनस वी इनपुट बाई टू पाई से लेके टू पाई ये ये आउटपुट वी ए बी की वैल्यू एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो डायवर्ट तो ऑन ऑफ का किसी को डाउट था ही नहीं एक्चुअली वेरी 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 गुड एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल और सेकंड वाला पार्ट तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ द पोलॉरिटी क्या बोल सकते क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोल सकते क्वेश्चन बेस्ड हुआ वेरी गुड बेसिक कंसेप्ट ऑफ केवीएल इक्वेशन देखो जरा ध्यान से इसके बाद की स्टोरी थी कि चलो एक और चीज चाहते हो कि आप क्या निकालो एवरेज वैल्यू क्या फाइंड करना है आपने को एवरेज वैल्यू एरिया पॉन टाइम पीरियड साइनस ओ डले तो इंडिकेट तो करना ही पड़ेगा आपको तो एरिया पॉन टाइम पीरियड अगर मेरे को फाइंड आउट करना है और वी इनपुट की वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है और वी इनपुट हमारे पास क्वेश्चन में था सिक्स पाई क्या था साइन ओमेगा टी ऐसे था ना सिक्स पाई साइन ओमेगा टी था तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी ए बी की वैल्यू चाहिए वन अपॉइंट टू पाई जीरो से टू पाई ये और वी ए बी की वैल्यू वी इनपुट बाई थ्री था तो सिक्स पाई साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई कितना थ्री ये डी ओमेगा टी हो गया फिर माइनस सिक्स पाई साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई कितना हो गया टू हो गया ये ये डी ओमेगा टी ध्यान से अगर कर सॉल्व किया जाए तो वन पॉइंट टू पाई जीरो से टू पाई ये कितना आ रहा है सिक्स टू पाई साइन ओमेगा टी टू पाई साइन ओमेगा टी माइनस कितना आ रहा है थ्री पाई साइन ओमेगा टी चेक करो एक बार नहीं गड़बड़ कर दिया ना अपन अरे गड़बड़ कर दिया ना यार ये जीरो से आपके पास पाई में पहला वाला रिजल्ट था ये सॉरी जीरो से पाई में ये था और ये था आपके पास प्लस कर दिया और ये पाई से टू पाई नेगेटिव साइकिल था ना ये इसका मतलब है कि वन अपॉइंट टू पाई बाहर है ये रिजल्ट हो गया आपके पास टू पाई और साइन ओमेगाटी का इंडिकेस था ओमेगा कॉसोमेगाटी जीरो से पाई साइन ओमेगाटी माइनस कॉसोमेगाटी प्लस हो गया थ्री पाई कॉस ओमेगा टी टू पाई से लेके पाई इतना स्पेस यूज कर लेता हूं पाई बाहर निकल गया आपके पास तो वन बाई टू बचा ये बच गया टू और ये आ गया आपके पास ब्रैकेट में वन प्लस वन टू आ गया पाई बाहर निकल गया तो ये थ्री बच गया टू पाई मतलब वन आ गया माइनस माइनस ये इतना आ गया इसका आंसर कितना आ रहा ध्यान से देखो आप वन बाई टू इन ब्रेकेट टू और टू फोर और कितना आ रहा है वन और वन टू थ्री सिक्स फाइव वोल्ट आ रहा है एवरेज वैल्यू चेक करना है एक बार चेक करो फाइव वोल्ट आ रहा है एवरेज वैल्यू तो पहला वाला जो रिजल्ट था वीनपुट बाई थ्री जीरो से लेकर पाई में था और पाई से लेकर टू पाई में था माइनस वीनपुट बाई टू और वीनपुट की वैल्यू थी इसलिए जैसा मैं लिखता हूं वैसे ही आपको लिखना है हम कभी भी नेगेटिव आप साइकिल में वीनपुट का पॉलिटी चेंज नहीं करते हमको पता है कि वीनपुट की वैल्यू क्या है तो आपको वरी करने की नीड नहीं है एवरेज वैल्यू को अच्छे से लिखिएगा आप तो फाइव वोल्ट आ गया ये किस हटा दे तो चेक कर लेंगे सभी लोग ज्यादा स्पेस यूज करेंगे प्रॉपर कॉपी में लिखने के लिए आप वाला कैलकुलेशन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो आपको कंसेप्ट तो आता है चलो कंसेप्ट के साथ साथ एक, एक एक्स्ट्रा आपके पास कैरेक्टर में भी चले जाओ किस डाउट फाइव वोल्ट में पाई क्यों थे लिखे थे आपको क्योंकि बाहर का टू पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैग्नीट्यूड में पाई लिखे थे जैसे कि आपका वैल्यू एकदम परफेक्ट आए नहीं तो फिर वो पाई के टर्म्स में आ जाता अगर वो मैग्नीट्यूड में पाई नहीं दिखते तो तो कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू गुड रहे इसलिए पाई लिखा था मैग्नीट्यूड में ठीक है अगर मैं आर एमस वैली की बात करूँ तो आर एम एस वैली में कैलकुलेशन होगा क्योंकि सिग्नल का स्क्वायर है और फिर अंडर रूट है तो आर एम एस वैली में तो हमेशा कैलकुलेशन होगा ही तो अगर आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वेयर कर लो ये रिजल्ट आपके पास टू पाई था आपके पास तो टू पाई इंटू थ्री पूरा डिवाइड कर दो सिक्स पाई सिक्स साइन ओमेगा टी बचा इसमें टू पाई आपके पास था तो फोर पाई हो गया पाई से कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट इतना आ गया आपके पास और मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो आर एम एस वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो चेंज करता हूँ मैं आर एम एस वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ये वी ए बी का आर एम एस वैल्यू अंडर रूट वन पॉइंट टू पाई जीरो टू पाई सिक्स पाई साइनो मेंगा टी था तो टू पाई साइन ओमेगा टी टू पाई साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा फिर पाई से टू पाई माइनस भी चला गया माइनस थ्री पाई साइनो मेंगा टी तो थ्री पाई का स्क्वायर तो थ्री पाई ये इसका स्क्वायर डी ओमेगा डी तो सिग्नल का स्क्वायर करो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है तो स्क्वायर करने के बाद आपके पास मीन दैट मीन द एरिया और फिर रूट है तो ये फोर पाई का स्क्वायर हो गया आपके पास तो टू पाई से डिवाइड किया तो टू पाई बच गया ये जीरो टू पाई साइंसक्वायर स्क्वायर थीटा कितना होता है वन माइनस कॉस टू मेगा टू डिवाइड बाई टू ठीक है चेक कर लेना एक बार डी ओ मेगा टी प्लस थ्री पाई का स्क्वायर नाइन पाई टू पाई आपके पास मल्टीप्लाई किया तो नाइन पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई फोर पॉइंट फाइव पाई पाई से टू पाई साइंसक्र थीटा अगेन वन माइनस कॉस टू थीटा ये डी ओ टी ये ऐसी जगह इसलिए आर एम एस वैल्यू कई बार नहीं पूछते मतलब तो एनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली एवरेज वैल्यू पूछा गया है बट फिर भी ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एक ओडी सिग्नल में आप आर एम एस वैल्यू की बात भी कर सकते हो एवरेज हमेशा आसान होगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर एम एस थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो टू पाई से टू इधर कैंसिल आउट हो गया इधर पाई बच गया इंटीग्रेशन वन का ओमेगा टी पुट कर दिए जीरो से पाई हो गया कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाई टू हो गया लिमिट जीरो से पाई पुट कर दिए पूरा जीरो ही हो जाएगा और आगे बढ़ जाता हूँ मैं ये फोर पॉइंट फाइव है नाइन बाई टू पहले से था नाइन बाई फोर हो गया नाइन बाई फोर पाई ओमेगा टी कर दिए हम लोग तो टू पाई से पाई माइनस साइन टू में गा टी डिवाइड बाई टू ये टर्म लिख रहा हूँ लेकिन ये जीरो हो जाएगा टू पाई और पाई ये लिखो साइन वाले पूरे टर्म जीरो हो गए क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है साइन टू पाई और पाई सब जीरो होता है वहां पे आ गया टू पाई माइनस पाई पाई आ गया आपके पास ये आ गया कितना आंसर आ रहा है आर एम एस वैल्यू पहला वाला नंबर आ गया पाई वहाँ से बच गया पाई स्क्वायर आ रहा है पहला नंबर प्लस नाइन बाई फोर पाई स्क्वायर ऐसा आ रहा क्या चेक करो ऐसे आना चाहिए तो फोर और नाइन आपके पास थर्टीन पाई स्क्वायर आ गया आपके पास तो पाई बाई टू अंडर थर्टीन ऐसा क्या इसका आंसर इसका आंसर हम्म इसका आंसर कैलकुलेटर यूज करो इसका आंसर बताओ ना फाइव पॉइंट सिक्स थ्री वोल्ट ये चेक कर लेना आपके पास आर एम एस ये पूरे पॉइंट को ध्यान से लिखना है आपको एकदम अरे रजिस्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स ही होता है वो करंट का डायरेक्शन ऐसा बना था एक्चुअल करंट वैसा नहीं फ्लो रहा था एक्चुअल करंट इस साइड से फ्लो रहा था अब कोई करंट ऐसा बना हुआ है तो वोल्टेज तो नेगेटिव दिखेगा आपको इसके बाद तो थोड़ी रजिस्टर कोई डिलीवर करना चालू कर देगा अब नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज आप लगा दोगे तो आपको दिखेगा ही वैसा करंट की वैल्यू ये आर है ठीक है करंट आई यहां से फ्लो रहा था और क्वेश्चन में पोलारिटी ये बना हुआ है ए वी इसका मतलब तो ये है कि क्या हुआ ये वी की वैल्यू कितना हुआ माइनस आई आर बिकॉज ऑफ द पोलारिटी बट करंट आपके पास जो है लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है तो पावर डिलीवर होगा पावर डिलीवर की वैल्यू कितना होगा आपके पास वी इंटू आई हाँ पावर डिलीवर की वैल्यू वी की वैल्यू कितना है माइनस आई आर तो माइनस आई आर इंटू आई माइनस आई स्क्वेयेर आर तो माइनस आई स्क्वेयर आर पावर डिलीवर होगा तो एबजॉब कितना हुआ एबजॉब कितना हुआ आई स्क्वेयर आर तो एबजॉब ही करेगा चाहे कैसे भी लिखो आप कोई बोला था यूट्यूब में कि सर वो नेगेटिव एडी थी मैं बोल रहा हूँ देखो ये पोलारिटी बनी थी सपोज करो वैसे तो एबजॉर्बिंग एलिमेंट ही होता लेकिन पोलारिटी ये बनी थी करेंट ऐसा फ्लो हो ही रहा था अब ये बना था इसके अकॉर्डिंग टू करेंट लीज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्व ना लेते उसको तो डिलीवर बोलते बिल्कुल कोई बात ही नहीं है लिखो वी इन आई डिलीवर हो रहा है करके वी की वैल्यू कितना होगा माइनस आईया तो नेगेटिव डिलीवर नेगेटिव डिलीवर मतलब क्या होता है एफ जॉब तो रजिस्टर ऐप जॉब ही करेगा चाहे पोलैरिटी कोई कुछ भी बना दे ये लिख दिया हमें देख लो ध्यान से क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है कि सर रजिस्टर सर डिलीवर कैसे कर रहा है करके नहीं कर रहा है वो सिर्फ सोचने वाली बात है डिलीवर नहीं कर रहा था एफ जॉब ही कर रहा था आपके वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट पुट करने से थोड़ी रजिस्टर डिलीवर करना चालू करेगा वो तो एब्जॉर्बिंग जॉबिंग एलिमेंट्स होता है हो सकता है आपको दिखता हुआ दिखे कि वो डिलीवर कर रहा है लेकिन वो नेगेटिव डिलीवर कर रहा है उसका मतलब भी एफ जॉब होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता किसी के भी चाहने से कितना क्लियर है आपको हमेशा लिखा हुआ बोर्ड में हाँ तो आर एम एस वैल्यू फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री वोल्ट आ गया आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं आपके पास कभी कभी क्या होता है कि हम एक एनलॉ सर्किट का क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें वो आर वैल्यू पूछ लिया तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैलकुलेशन कितना होगा ज़्यादा होगा थोड़ा सा हम सोच में पड़ जाते हैं एग्जाम के समय में इसे जस्ट में आर एम वैल्यू दिया वैसे साइन ने सोच लगा कि इसमें एनलॉग इलेक्ट्राइनस का टीचर आर एम वैल्यू फिर भी पूछने पे थोड़ा सा डाउट रहता है वो एवरेज वैल्यू तक ही पूछना चाहता है बट मैं अगर पेपर फ्रेम करूंगा तो मैं आर एम वैल्यू में जाऊंगा एवरेज में मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा चेक हो जाएगा एवरेज वैल्यू में कैलकुलेशन उतना ज्यादा था नहीं तो उसमें चेक करने की कोई बात नहीं है किसी का मैथ चेक करना है तो आरएमएस वैल्यू भी पूछना चाहिए आगे सभी लोग का फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री कितना दिख गया हमको ठीक है चलो तो इस वाले पोर्सन को हटा देते हैं अपन नेक्स्ट इसके बाद बोला था दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोला था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डीपीपी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन ट्वेंटी वन ये डीपीपी का लेना ज्यादा ध्यान से आर वन था वो मान लो कि ये आपके पास है आर एल और ये वी एस जी आर एल का वोल्टेज वी एल है जी वी एस जो था उस वे फॉर्म था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज गिवन थी डायोड आइडियल था आर वन और टू दोनों के लिए फिफ्टीओ ओम जो क्वेश्चन में गिवन था फिगर में तो गिवन नहीं था क्वेश्चन में गिवन था आर वन फिफ्टी और आटू या आर एल भी फिफ्टी ओम है आठ लिख दिया आ रए लै वो और इनपुट वोल्टेज जो गिवन था वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म गिवन था इसकी पॉजिटिव वैल्यू एट वोल्ट थी और नेगेटिव वैल्यू माइनस टेन थी ऐसा सब पीरोडिक स्क्वायर वेव फॉर्म गिवन था ये टी देखो तो यहाँ पे टी बाई टू और टी लिखा है यहाँ पे ओमेगा टी नहीं लिखा स्क्वेयर वेव फॉर्म यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ये एट आपके पास और ये माइनस टेन वोल्ट है हर एक क्वेश्चन से बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो समझते रहो गुड वे में अप्लाई करते रहो हमको अपना फियर निकालना है क्वेश्चन को देखने के बाद डर वर नहीं लगना चाहिए अपने को यही यही मेन फोकस है कि क्वेश्चन क्या आएगा हमको क्या पता एग्जाम में और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया करो जब भी आप देखते रहते हो कि लिखा है कि फॉर्म है है इन्हीं सब चीजों से कंसेप्ट बनाया करो क्या क्या लोग लिखते हैं आई के प्रोफेसर का अपना स्टाइल क्या होता है ये सब देखना चाहिए बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूट वो माइनस टेन वोल्ड रिस्पेक्टली है टाइम पीरियड टी है सही बात है एज्यूम ले डायोड इज आइडियल हमको चाहिए था डायोड आइडियल है आर वन और आर टू तो लिखा हो आर वन और आर एल ए फिफ्टी ओम है एवरेज वैल्यू ऑफ वैल वी एल आव फाइंड आउट करना था वी एल का एवरेज वैल्यू लोड आउटपुट का जो लोड है उसका एवरेज वैल्यू चाहिए था कि एवरेज वैल्यू कितना वैल होगा आपके ऐसा तो निकाल लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं कि एवरेज वैल्यू कितना होगा कुछ में आसान चीज़ क्या है कुछ में आसान चीज़ ये है कि कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं है दूसरी आसान चीज़ क्या है कि डायोड आइडियल है ये चीज़ आपके पास नया क्या है नया ये है कि हमको साइनस देखने की आदत है हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म दिया ये नया चीज़ है न्यू बात करें तो स्क्वेयर वे फॉर्म दिया साइनस हम देखने की आदत है हमको इससे क्या फर्क पड़ता है तो सबसे पहले तो पता नहीं कि आसान और क्या चीज है थर्ड चीज ये कि हमसे एवरेज वाली पूछा है एवरेज वाली में हम कंफर्टेबल है नहीं है ये बात है बस जब आप साइनस ओडल इनपुट दोगे तो जो भी निकालना है वो भी साइनस ऑडल बिहेवियर होगा स्क्वेयर वे फॉर्म दिए तो बिहेवियर भी वे फॉर्म समान होगा आउटपुट का दो रजिस्टर लगे फिफ्टी और फिफ्टी ओम डायोड आपके पास एन टू पी कनेक्टेड है और आपको एवरेज अली फाइंड आउट करना है तो मेरे को लगता है कि ये गेट का क्वेश्चन था तो मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर सकता है ये चलो आपके साइड में ज्यादा है निकालो आप आपसे सॉल्व हो जाएगा ये सबसे सॉल्व होना चाहिए यार दो ही तो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एट वोल्ट दो नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस टेन वोल्ट दो देखो वीएल कितना मिल रहा है करके सभी को सॉल्व करना है सभी को ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिससे आंसर नहीं आ पाया और जिनका आंसर आ जाएगा वो लोग आरएमएस वैल्यू निकालना क्योंकि मैं इंटरेस्टेड आरएमएस वैल्यू में भी रहूँगा मतलब ये तो एवरेज पूछा था एग्जाम में अपन आरएमएस वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे है ना यूट्यूब वाले लोग केयर करते रहना ना अभी फोर सिक्सटी फोर लोग देख रहे हैं धीरे धीरे नंबर कम होते जाएगा बाकी सब लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं लाइव क्लासेस में तो जैसे ही नंबर छोटा हो जाएगा आपके पास तो सबको लाइव क्लासेस आना रहेगा यूट्यूब में हो जाएगी क्लास बंद या तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाँच मिनट आप टाइम निकालो और जितने भी जगह पे है जितने भी आप दस ग्रुप ज्वाइन करके रखें टेलीग्राम में शेयर करते रहो जब तक कि वो आपको ब्लॉक ना कर दे ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करने वाले हैं और टफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होगा स्क्वेयर फॉर्म में तो कैलकुलेशन से ही बच जाओगे कॉन्फिडेंस से सॉल्व करो बस और जल्दबाजी मत करो मैं कोई कोई प्राइस देने वाला नहीं हूँ क्या आप हड़बड़ा रहे हो आप एक मिनट और एक्स्ट्रा लो अपना खुद का कंफर्ट देखो आप और वो सिंगल डायवर्ट लगा हुआ है नहीं सूरज कुमार ऐसा नहीं करूँगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको दो चार मिनट निकालना पड़ेगा अब शेयर करते रहो बोलो अब शेयर करोगे तभी तो होगा ना तब तो जब मैं इतना अपनी क्लासेस पहली बार जी, लाइफ में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं पूरी क्लासेस आपको मेन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप कुछ तो करोगे यार थोड़ा सा हाँ जिसका आ, एवरेज निकल जाएगा उसको आर वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन जो है एग्जाम का क्वेश्चन है लेकिन मेरे को लगता है कि जितने लोग भी एग्जाम में ठीक ठाक पढ़ते होंगे वो लो लोग कुछ सेकेंड्स में बना लिए होंगे क्योंकि तो एक ही डायवर्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है डायवर्ड पी टू एन ज़्यादातर बना रहता है एन टू पी था इट्स ओके इसमें क्या प्रॉब्लम और रेफरेंस भी वोल्टेज नहीं है तो कोई तो ये बोल सकता है कि सर मैं तो वी सीधे ही देख के भी बता सकता हूँ कि वी का एटलीस्ट वी का फिगर क्या होगा सर स्क्वेयर वेव फॉर्म होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में एट वोल्ट होगी जीरो थ्री बाई टू एट वोल्ट में डायर्ड ऑफ होगा डायवर्ट कैन कनेक्टेड है डायवर्ट जब ऑफ होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा सर और जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे सर और जब दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इक्वल वोल्टेज डिवाइडर रूल से करंट जो वोल्टेज होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा सर फोर वोल्ट आ रहा है सर फोर वोल्ट आ रहा है आपके पास जीरोस लेके टी बाई टू में क्यों वोल्टेज डिवाइडर रूल से सर डायवर्ड ऑफ हो गया डायोर्ड ऑफ हो गया और डायवर्ड ऑफ हो गया तो सर दोनों रजिस्टर वो भी सेम वैल्यू है तो सेम रजिस्टर में तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है सर फोर फोर वोल्ट आ जाएगा नेगेटिव आप साइकिल में क्या होगा जब मैं, मैं माइनस टेन दूंगा डायोड ऑन हो जाएगा सर आन पड़ जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड के ऑन होने से आर वन शॉर्ट सर्किट हो गया तो सर फिगर आसान हो गया क्योंकि लोड वोल्टेज ही इनपुट बन जाएगा इसके अंदर सर माइनस टेन तो माइनस टेन ही रहेगा तो एवरेज वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है सर क्योंकि नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है पॉजिटिव कम है नेगेटिव ज़्यादा है तो एवरेज वैल्यू नेगेटिव आएगा इसमें तो कोई बात ही नहीं है ये ऐसा करके आपके फिगर बन गया ये जीरो से लेकर टी बाई टू है और ये टी है ये ये कितना है माइनस टेन वोल्ट ये जीरो है इस वाले केस में डायोड क्या था आपके पास ऑफ आप था इस केस में डायोड क्या है ऑन है जब डायोड ऑन है आपके पास तब वी एल की वैल्यू वी एस के बराबर है भी है जब डायोड ऑफ था तो डिवाइडर रूल से वी एल की वैल्यू जो था वो वी एस इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर वन था दोनों सेम था इसलिए फोर वोल्ट आ गया इसमें क्या बात है ये सिंपल मैं बोला कि देखो यार इसमें तो एरिया आप खुद भी देख सकते हो इसमें तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है जो लीनियर वेव फॉर्म रहते हैं उसमें तो आप आराम से देख सकते हो कि एवरेज वाली अगर आपको फाइंड आउट करना बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व कर सकते हो साइनस ऑडल में बिना इंटीग्रेशन के कोई सॉल्व नहीं कर सकता कोई बात ही नहीं है एरिया अपन टाइम रेट तो ऑलवेज लेकिन ऐसे वाले वेव फॉर्म में आप इंटीग्रेट करोगे तो भी क्या दस सेकंड पंद्रह सेकंड का डिफरेंस आएगा सीधे दिख रहा है आपको फोर इंटू टी बाय टू सर एरिया हो गया नेक्स्ट वाला सर माइनस टेन इंटू टी बाई टू हो गया टी बाई टू कैसे सर टी माइनस टी बाई टू सर सेकंड वाला भी डिवाइड बाई टी करना नहीं भूलना है आपको तो पहला आ गया टू सेकेंड आ गया आपके पास माइनस फाइव आंसर बता है बताए माइनस थ्री वोल्ट और वैसे भी नेगेटिव आना चाहिए क्यों सर नेगेटिव एरिया जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव एरिया से ज़्यादा है सर वो तो दिख ही रहा था माइनस टेन वोल्ट के कारण तो नेगेटिव एरिया तो एवरेज वैल्यू आएगा तो कोई बात ही नहीं थी माइनस थ्री वोल्ट इज द आंसर सभी लोगों का सॉल्व होने वाली बात ही थी इसका मतलब तो स्क्वेयर वेव फॉर्म दिया तो बड़ी आसान बात है क्यों आप आपको इंटिकेशन की भी जरूरत नहीं आप एरिया पॉइंट टाइम पीरियड एक स्क्वेयर फॉर्म का तो वैसे भी देख सकते यार

जितने भी आज क्वेश्चन सॉल्व किए सब आईडी के प्रोफेसर के क्वेश्चन हैं अभी तक आपको गुड आइडिया है आप सॉल्व कर लोगे बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं बहुत टफ बनाया जा सकता है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं बहुत ज्यादा पच्चीस साल में पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आए होंगे आज तक इसको तो मैं आसानी क्वेश्चन मानूंगा एकदम मैं बोला यार मेरे को आर एम एस वैल्यू चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो मैं इसी को बस क्या इन में कर दूंगा जीरो से टी बाई टू फोर का स्क्वायर करोगे तो सिक्सटीन आ जाएगा आर एम एस वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना ये आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू तो अंडर रूट किया वन बाई टी किया इसको रहने दो जीरो से टी बाई टू सर सिग्नल का स्क्वायर ऐसा फोर का स्क्वायर सर फोर का स्क्वायर डी टी ओके टी बाई टू से लेके टी में माइनस टेन का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव तो होता नहीं आ रहा है इस वैल्यू स्क्वायर करने के बाद कितना हो गया 16 है और ये अगर मैं अंडर रूट के अंदर देखूँ तो कितना आ गया वन बाई टी ये पहला आ गया सर सिक्सटीन इंटू टी बाई टू दूसरा आ गया हंड्रेड इंटू टी बाई टू ऐसे आ रहा है से कैंसिल आउट हो गया एट प्लस फिफ्टी फिफ्टी अंडर रूट फिफ्टी एट आ रहा है अंडर रूट फिफ्टी एट कितना आंसर सेवन पॉइंट सिक्स वन फाइव वोल्ट, आ रहा, अंडर रूट 58 आ रहा, चेक करना इसका साइनस हो हो के केस में कोई अगर स्क्वायर वेव फॉर्म दे दे, दे तो इससे आसान बात कुछ हो नहीं सकती क्यों डायोड का खुद के दो स्टेट होते हैं और में भी दो स्टेट होता है ऑन और ऑफ खत्म बात हो गई बस आप देख लेना डायोड एन टू पी लगा है कि लगा हुआ है इससे आसान कुछ नहीं हो सकता एक सिंगल डायोड स्क्वायर वेव फॉर्म और फिर कुछ भी पूछ लो आप सबको इतना क्लियर मैम कि देखो आरएमएस वैल्यू अगर देखा जाए तो आरएमएस वैल्यू ना तीन आपके पास वर्ड आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो इसमें पहला ना लास्ट डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए स्क्वायर फिर मीन मतलब एवरेज मतलब एरिया अपॉन टाइम पीरियड मीन मतलब एवरेज एरिया अपॉन टाइम पीरियड बट किसका एरिया अपॉन टाइम पीरियड सर स्क्वायर करने के बाद थर्ड स्टेप होता है रूट करना अंडर रूट करना तो पहले आप स्क्वायर करो ये स्क्वायर कर लो सिग्नल का उसके बाद उसका एरिया पॉइंट टाइम पीरियड करके रूट कर लो तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ वी का स्क्वायर ये देखो स्क्वायर कर देता हूँ इसी सिग्नल का अगर मैं वी का स्क्वायर करता देखो तुरंत सॉल्व हो सकता है ये वी का स्क्वायर तो फोर का सिक्सटीन आ गया ये ये सिक्सटीन आ गया और माइनस का हंड्रेड हो गया तो सिक्सटीन और ये हंड्रेड हो गया फिर आपके पास सिक्सटीन और ऐसा करके चलते जाएगा ये है टी ये है टी बाई टू नेगेटिव तो बनेगा नहीं स्क्वेयर कर चुके हो आप तो जीरो से लेके टी बाई टू में सिक्सटीन वोल्ट है वो टी बाई टू से टी में हंड्रेड है ये अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया कितना है स्क्वायर हो चुका अब इसका एरिया कितना आएगा सर सिक्सटीन इंटू टी बाई टू इसका एरिया है इसका एरिया कितना आएगा कि इस वाले रीजन का सर हंड्रेड इंटू टी बाई टू हंड्रेड इंटू टी बाई टू मतलब इसका एरिया ना एट टी है इसका एरिया एट टी है और इसका एरिया फिफ्टी टी है मैं लिखा था एरिया अपॉन टाइम पीरियड तो फिफ्टी एट कैपिटल टी डिवाइड बाई टी करोगे तो फिफ्टी एट आ जाएगा टी सिटी कैंसल आउट तो पहले स्क्वेयेर कर लिया मैं इसी का स्क्वेयर कर लिया ये देखो स्क्वेयर हो गया नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा आपको जब आप स्क्वेयर कर लोगे तो नेगेटिव कहाँ से आएगा यार देखो इस सिग्नल का स्क्वेयर वीएल का स्क्वेयर कर दिया मैं ये देखो स्क्वेयर हो गया चार का सोलह और माइनस टेन 10 का हंड्रेड द पॉजिटिव हंड्रेड ऐसा ना कि माइनस हंड्रेड ही हो जाए फिर उसके बाद मीन दैट मीस द एरिया पॉन टाइम पीरियड इसका एरिया निकाला सब टी के फॉर्म में आया डिवाइड बाय टी किया फिफ्टी एट आ गया फिर लास्ट स्टेप था रूट करना तो फिफ्टी का रूट किया तो अंडर रूट फिफ्टी जिसका आंसर कुछ बोल रहे थे आप सेवन ये देख लीजिए ध्यान से तो मीनिंग आर एम एस वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड है उसमें लास्ट से स्टार्ट हो गया फर्स्ट तक रूट मीन स्क् वैल्यू में पहला स्क्वेयर लास्ट वर्ड बीच वाला मीन एवरेज किसका एवरेज स्क्वेयर का जो सिग्नल का स्क्वेयर हुआ उसका एवरेज और लास्ट स्टेप रूट हो गया आर एम एस वैल्यू साइनस होटल में आप इसका एडवांटेज नहीं ले सकते क्योंकि साइनस होटल में आप स्क्वेर करोगे एरिया देख नहीं पाओगे बिना इंटीग्रेशन के दुनिया की कोई तागा सॉल्व नहीं कर सकती जो बोर्ड में लिखा हुआ है जो थोड़ी देर पहले मैं सॉल्व किया ना पूरा का पूरा आर एम एस वैल्यू साइनस ओडल वाला उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता तो सॉल्व करना ही होता है साइनस ओडल में स्क्वेयर वेव फॉर्म वगैरह में कोई बात ही नहीं सब कॉन्स्टेंट सिग्नल है स्क्वायर कर दो कि चार का सोलह मिल जाएगा तो एडवांटेज लेने वाली बात है कि हम कितना समझते तो ये बनाना चाहिए मेरे को लगता है वीएल के स्क्यर का फिगर नॉर्मली आप सिग्नल वगैरह में भी करते होंगे तो सिग्नल जो लोग पढ़ चुके होंगे तो सिग्नल में भी आप ऐसा यूज किए होंगे अगर मीनिंग पता है तो फिर कुछ भी बात ही नहीं है अगर आपको रूट मिनी स्क्वायर की मीनिंग पता है तो फिर आपका फॉर्मुला याद रखने की जरूरत नहीं फॉर्मुला ही तो था वो तीन स्टेटमेंट है सिग्नल का स्क्वायर है फिर जो इंटीग्रेशन है वो मीन है और एक अंडर रूट है वो लास्ट वाले स्टेटमेंट द रूट मिनी स्क्वायर वैल्यू बट ऐसा ना हो कि आपको हर एक क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने के बाद एकदम ही अच्छा लग रहा है अब आप बोलोगे सर एक और क्वेश्चन दे दो सर एक स्क्वायर स्क्वेयर फॉर्म दो सर अभी हम सॉल्व करते हैं अब नहीं होगा स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर तो जब तक आप सॉल्व मेरे बिना जितने देर तक आप सॉल्व करते हो वही आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है उस समय को आप अच्छे से यूज कीजिए हाँ मैं जो एक्स्ट्रा बातें करता हूँ जैसे मैं इसका स्क्वायर किया एक्स्ट्रा बातें की वो सब नोट करते जाओ वो सब मेरे पॉइंट्स हैं वो सब आपको अपने तक लेके आना अपने पास जैसे कंसेप्ट सीखने वाली जो जो मैं बातें बोला तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जैसे मैं बोला कि साइंस टोडल में आप एडवाटेज ले सकते तो हो सब चीज़ों का आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा थोड़े पहले सॉल्व किए थे तो, तो सब माइंड में आपके फिट होते जाना चाहिए चीज़ सब चीज़ें एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके पास ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे टू थाउजेंड थ्री का था ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर एट ले रहा हूँ ये वर्क बुक का जो आपके पास वर्क बुक है उसका क्वेश्चन वर्क बुक आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है ना वर्क बुक किसी को ओपन करने की जरूरत नहीं है ये जो फिगर था आपके पास 2003 का था इलेक्ट्रिकल वालों का आई मद्रास का क्वेश्चन में क्या था ये वी इनपुट ये डायवर्ट डी टू ये माइनस फोर वोल्ट ये रेजिस्टेंस टेन किलो ये टेन किलो ये माइनस फोर वोल्ट ये डायोड डी टू और राइट साइड में डी वन बना था ये डी वन और नीचे फोर वोल्ट ये ये फोर वोल्ट और ये डी वन और ये वी नॉट था नॉन फिगर है एक वोल्टेज सिग्नल था टेन साइन ओमेगा टी का टेन साइन ओमेगा टी का एक इनपुट सिग्नल दिया है आइडियल डायोड क्वेश्चन में मेंशन था ये रेजिस्टेंस टेन किलो हो ये बोला था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द आउटपुट वेफ फॉर्म मतलब वी आउट का मैक्सिमम मिनिमम था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन मैं अभी ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहा मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना था आपके पास ये वोल्ट ऑब्जेक्टिव था दोनों थे आपके पास और वी आउट का मिनिमम वैल्यू ये पूछा था ये किसी को वर्कबुक ओपन नहीं करना इतना लिख लिया काफ़ी हो गया टू थाउजेंड थ्री आई टी मद्रास का जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि भैया आउटपुट का हमको मैक्सिमम वोल्टेज वोल्टेजिए नंबर चाहिए अभी आएगा तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आ सकता है अगर आज की डेट में मैं कोई उसको फ्रेम करना है, तो मैं रेशसो भी पूछ सकता हूँ अभी अगर आज के डेट में किसी को क्वेश्चन फ्रेम करना न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो हम तो ये भी पूछ सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू का रेशियो बताओ जी इतना मस्त क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है ठीक है हाँ ये क्वेश्चन था हमको बार बार जब भी मैं आपको देता हूँ आपको सोचना है कि आप एग्जाम दे रहे हो करके आप अपने आप को अप्लाई करो अच्छे तरीके से मैं चाहूँ तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना दूँ मेरा टाइम बचा लूँ आपके पास तो भी आप बोलोगे मस्त मज़ा आ रहा है करके लेकिन आपको अपने बारे में आइडिया कम होते जाएगा फिर क्योंकि ओवरऑल आपको समझ आ गया इसका मतलब थोड़ी मैं सक्सेसफुल हो गया आप अगर थोड़ा सोचना चालू किए अप्लाई करना चालू किए क्वेश्चन को देखने के बाद आप अगला स्टेप में बढ़ते हो वो मेरा सक्सेस है मेरे को आउटपुट का, का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए एग्जाम आप दे रहे हो सोचिए कि आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे और मिनिमम वैल्यू पूछे आप देखते हैं आप दो मिनट लगाओगे चार मिनट लगाओगे वो आपको देखना होगा चलो और मिनिमम वोल्टेज हमको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम नवीन नायक बोल रहा है कि फोर और माइनस फोर वोल्ट होगा निशांत कुमार बोल रहा है फोर और माइनस फोर होगा लाइव क्लास से निशांत फ़ोर और माइनस फोर नवीन नायक बोल रहा है फ़ोर ओ माइनस फोर दोनों सेम आंसर दिए अभी एनलॉग सर्किट में एक और चीज़ प्रॉब्लम जो आती है आप सॉल्व करते रहो एक और चीज़ प्रॉब्लम जो आती है कि बहुत फास्ट ना रिस्पॉन्ड करते नहीं बनता है किसी क्वेश्चन को देखने के बाद एक स्टूडेंट को टाइम लगता है एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं होता है कि सभी स्टूडेंट एकदम क्वेश्चन देखे और अटैक मार दिए क्वेश्चन पे नेटवर्क में ऐसा हो पाता है क्योंकि लोग के वी एल के सी ढूंढते रहते हैं एनलॉग सर्किट में वो उसके आगे का स्टेप है इसलिए बहुत आसान नहीं होता है कि एकदम क्वेश्चन देखे और एकदम ही हिट कर दिए एकदम तुरंत इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है तो बिल्कुल एनलॉक सर्किट को सॉल्व करते समय अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना है अपने को हड़बड़ान से एनलॉक सर्किट कभी नहीं बनेगा क्योंकि आप केवीएल केसीएल नहीं लगा पाओगे आपको ध्यान से देखना है सर्किट कैसा है एलिमेंट कैसे लगे हुए हैं क्या दिया हुआ है क्या पूछा है एकदम आराम से सॉल्व करना है देखो सबसे बेसिक चीज़ तो क्या आपके पास क्या पूछा गया वो देखना है आपके पास देखो एक होता है वर्किंग जब हम एग्जाम में रहेंगे तो हमको देखना रहेगा कि कोई हमसे चाहता क्या है और हमको क्वेश्चन को एंड भी करना है तो धीरे धीरे हमको ये भी देखना रहेगा कि हम कितने फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं ये भी देखना रहेगा सबसे पहली चीज तो आप फिगर देखें तो फिगर आपको दिखना चाहिए कि डबल डाउल क्लीपर सर्किट है आपके पास जैसे हम जानते हैं डबल डायवट क्लीपर सर्किट बहुत सारा आपके कॉपी में मैं बोला भी था कि उनके पास ज्यादा कुछ करेंगे नहीं कुछ रेजिस्टेंस की हेल्प ले सकते याद है आपको सब बना चुके अपन तो डबल डायवट क्लीपर सर्किट अगर मैं बोलूँ कि यार ये टेन के नहीं होता अगर मैं बोलूँ कि विदाउट टेन के अगर मैं बोलूँ विदाउट टेन के है तो डबल डायवट पी से एन वाला पोटेंशियल ज़्यादा होता है फोर है एन टू पी वाला कम होता है सही एकदम फिगर सर फोर और माइनस फोर को इंटर चेंज करते गलत क्वेश्चन हो जाएगा तो फिगर इनवैलिड हो जाएगा लेकिन अच्छी बात है कि गलत क्वेश्चन तो आपको फ्रेम हो नहीं सकता तो आपको नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सर्किट डिजाइन तो आपको करना है वो तो कंसेप्ट वाइज में बता दिया कि अगर आप कभी डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता हो कि डिजाइनिंग में क्या चीज़ का केयर होता है ठीक है तो फिगर एकदम सही है पी टू एन ज्यादा होना चाहिए ज्यादा है भाई एन टू पी कम होना चाहिए कम है एक फोर और एक माइनस फोर है अगर मैं बोलूँ कि सर टेन ओम नहीं होता कंस, कंसेप्ट तो यही है कि हम कैसे सोचते हैं अगर टेन ओम नहीं होता तो तो बड़ा बेसिक सर डबल डायोड स्टैंडर्ड सर्किट है सर फोर वोल्ट के ऊपर क्लिप माइनस फोर के नीचे क्लिप आंसर विल बी फोर एंड माइनस फोर वोल्ट विदाउट टेन किलोम कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन खत्म दो सेकेंड में क्वेश्चन खत्म दो सेकंड में बोला अगर टेन ओम नहीं है तो फिर तो मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट मैक्सिमम इज द फोर वोल्ट एंड वी नॉट मिनिमम इज द माइनस फोर वोल्ट यार

जबकि फिगर तो लाखों टाइप के हो सकते लेकिन तो भी उनका इंटरेस्ट का पार्ट या तक बना हुआ है ठीक है तो मैं बोला विदाउट टेन किलोम तो क्वेश्चन दो सेकंड में खत्म हो जाता है मैक्सिम आउट वोल्टेज फोर वोल्ट एंड मिनिमम आउट वोल्टेज माइनस फोर वोल्ट ठीक है भाई अब वो क्या कर सकते हैं अब वो ये कर सकते हैं कि रजिस्टेंस किसी एक में लगा है रजिस्टेंस जिसमें लगा है वो माइनस फोर नहीं हो सकता तो प्लस फोर तो फाइनल है तो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस फोर ही आएगा आउटपुट की मिनिमम वैल्यू माइनस फोर नहीं हो सकता और कुछ होगा लेकिन माइनस फोर नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस का ड्रॉप कुछ भी हो माइनस फोर छोड़ के कुछ होगा तो जो एग्जाम में जो ऑप्शन फ्रेम थे उसमें फोर और माइनस फोर तो था ही देंग, देंगे जैसे कुछ लोग शुरू में फोर ओ माइनस फोर बोल रहे थे तो ऑप्शन में भी दिए थे वो लोग फोर और माइनस फोर एक ऑप्शन था फोर और एक दूसरी वैली वाला तो कोई स्मार्ट होगा तो वो लगा लिया होगा क्योंकि वही आंसर था क्योंकि माइनस फोर तो हो नहीं सकता क्या होगा वो एक अलग बात है लेकिन माइनस फोर तो हो नहीं सकता क्योंकि रजिस्टेंस लगाए तो ड्रॉप तो होगा तो नंबर जो चेंज होगा वो माइनस फोर वाला चेंज होगा सर दोनों जगह रेसिस्टेंस होते हैं तो सिर्फ फोर भी नहीं होता और माइनस फोर भी नहीं होता तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि सर चेंज क्या होगा यार माइनस फोर वाला नंबर चेंज होगा ये क्लियर होना चाहिए इसको बोलते कंसेप्ट कि हमको पता है कि माइनस फोर चेंज होगा माइनस फोर से ज़्यादा नेगेटिव होगा या माइनस फोर से कम नेगेटिव होगा वो तो आगे की बात है जब भी आपसे कोई मैक्सिमम मिनिमम पूछता तब आपके पास थॉट क्यों होना चाहिए वो बात करें क्योंकि अभी बैठ के वर्किंग थोड़ी करेंगे हमको तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम बैठ के वर्किंग थोड़ी करेंगे कि देखो पॉजिटिव आप साइकिल स्टार्ट किए जो जैसा जैसा हम पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे उस पॉइंट को हम लेना चालू करते हैं फिर हमारा थाट जो है वो स्पीड के साथ बढ़ता है एक्यूरेसी के साथ बढ़ता है तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक दुनिया का जब भी आप पढ़ते हो और जब आप एग्जाम में अपियर्स होते हो दोनों के बीच का बहुत डिफरेंस होता है जब भी कोई आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे क्योंकि पूछा गया है मतलब ऐसे चार पांच छह बार बातें हुई है जब भी कोई मैक्सिमम वैल्यू की बात करने की कोशिश करे तो आप इनपुट का मैक्सिमम और इनपुट का मिनिमम दे देना ठीक है समझना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी वर्किंग करने में नहीं हूँ मेरा मूड नहीं वर्किंग करने का कोई बोल रहा है कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज चाहिए और मिनिमम आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो आप क्या करो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना है वी इनपुट मैक्सिमम कितना होगा भैया इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू कितना टेन वोल्ट सर बिल्कुल कोई बात ही नहीं है ये टेन वोल्ट आपके पास होगा और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये टेन वोल्ट बहुत ज़्यादा है आपके पास और ये वाला डायवर्ट में देखो इस वाले डायवर्ट के पी वाले में देखो ये इधर वाला पॉजिटिव वैल्यू और ये एन ये तो ऑफ़ ही है सही बात है सर ये तो ऑफ ही है क्योंकि पी इसका माइनस से कनेक्टेड है और एन वाले इधर प्लस से इतना सारा वैल्यू दे रहे तो दोनों साइड से ऑफ ही है उस वाले को देखो वो फोर वोल्ट है लेकिन इधर से आप ज़्यादा दे रहे तो डी वन ऑन हो जाएगा इसका मतलब अगर मैं मैं सीधे ही मैक्सिमम दे दिया ये तो फोर पॉइंट वन भी दोगे तो भी वो ऑन हो जाएगा लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब आपको कोई आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू वी आउट अगर मैक्सिमम पूछ रहा है फंक्शन ऑफ वी इनपुट मिनिमम नोट डाउन मैं बोला डायरेक्ट ही में टेन वोल्ट दे दिया सीधे ही अब टेन वोल्ट में क्या होगा बताओ आपके पास टेन वोल्ट में ऑफ होगा भैया ऑफ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं इसका p माइनस फोर से और n इतने बड़े पॉजिटिव साइड से ये क्या टेन दे रहा आपके पास ये क्या ऑन क्या है ये ऑन अगर ये ऑन हो गया तो v नॉट की वैल्यू कितना है फोर ये v नॉट का मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू दोल्ट टेन वोल्ट तो पहला फिगर टेन वोल्ट के साथ डायरेक्टली वोल्ट इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू देखिए सीधे आउटपुट ढूंढो अगर सर वहाँ रजिस्टेंस होता तो भैया वहाँ ड्रॉप और होता फोर नहीं होता फिर अपन क्या करते हैं फिर सर के लगाते हैं इस पूरे सर्किट में ये तो ऑफ है इस पूरे में केवीएल लगाते हैं करेंट फ्लो होता उसका ड्रॉप भी लेते फोर के साथ और मैक्सिमम बता देते और क्या नहीं करंट निकाल लेते अपन मैक्सिमम टेन वोल्ट के लिए उस पूरे सर्किट में डी वन डाइवर्ट करेंट की वैल्यू निकालते वो ड्रॉप आता वो ड्रॉप आता और ये आता मान लेते कि चलो इस वाले पाथ में क्यों नहीं मान लेते ऐसा मान लेते कि इसमें अगर टेन किलोम लगाए मान लिए टेन किलोम लगाए सर सीरीज में कहीं पर भी कुछ भी रहे है ना इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप सीरीज में कोई भी एलिमेंट आगे पीछे रहे उसके लिए वरी ना करें मैं बोल रहा हूँ अगर ये ऑन होता तो डायवर्ट करेंट फ्लो होता ये ऑन होता तो बिल्कुल ये तो ऑफ वाला पार्ट है तो 10 वोल्ट इक्वल टू कितना आता सर वो 10 आईडी आता वही वाला 10 आईडी इधर वाले में से भी आता 10 आईडी फिर कितना आता फोर आता ट्वेंटी आई डी इक्वल टू कितना होता ट्वेंटी आई डी इक्वल टू सिक्स होता तो आई डी की वैल्यू कितना होता सिक्स बाई ट्वेंटी थ्री बाई टेन सर जीरो पॉइंट थ्री आता सब रेजिस्टेंस किस में थे किलोम में जीरो पॉइंट थ्री मिलियम पेयर आपके पास ड्रॉप आ जाता मतलब करंट फ्लो हो जाता ठीक है तो ऑन था वोल्टेज की वैल्यू कितना आता वी आउट मैक्सिमम कितना आता वी आउट मैक्सिमम आता एक तो फोर आता और टेन भी लगा हुआ है डायोड ऑन है तो टेन आई डी आता तो आंसर कितना होता 4, 10 ID, 10 है फोर प्लस टेन इंटू आई डी टेन इंटू पॉइंट थ्री आया थ्री सेवन वोल्ट होता है मैक्सिमम आउट वोल्टेज अगर टेन किलोम लगा होता तो ये और क्या करंट ऐसा फ्लो होता ना ये ऐसा करंट फ्लो होता ये ऐसा क्यों फ्लो होता अरे ये ऑफ है यार तो ऐसे करंट फ्लो वो के वी सब लगा दिए हमें ये ये फिगर होता तो ये के होता 4, तो है डायवर्ट करेंट निकलता डाइवर्ट करेंट टेन आई का ड्रॉप प्लस फोर तो सेवन वोल्ट आ जाता है आउट वोल्टेज अगर वहाँ रजिस्टेंस होता तो फोर क्यों आएगा वहाँ रजिस्टेंस नहीं है तो फ़ोर तो आना ही है मैक्म आउट टू वोल्टेज आपको पूरी पॉसिबिलिटी पूरी देखना है आपके पास कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमको क्या पता कल क्या क्वेश्चन आएगा अभी मैक्सिमम आउट वोल्टेज कितना है फोर वोल्ट क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं था डायोड ऑन होगा तो फोर ही वोल्ट होगा फोर्स ज्यादा हो नहीं सकता डायोड अगर ले लेता ले मैं टेन ओम का तो सेवन वोल्ट आ रहा है आपके पास तो जो मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करता हूं वही मेरा गुड पार्ट है याद रखना आपको टीचर अगर बनना है तो आपको पॉसिबिलिटीज में जाना चाहिए फिर आप घर से याद करके नहीं पढ़ा सकते क्योंकि फिर पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती फिर टॉपिक आपसे वही पढ़ा सकते हो जो आप पढ़ के आए हो। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो पॉसिबिलिटीज में जाना है और पॉसिबिलिटीज के लिए आप घर से नहीं आ सकते रेडी करके हाँ ये आपके पास है चलो मिनिमम की बात करते हैं मैं बोल रहा हूँ कि वी नॉट आपके पास अगर है यही भी बनाता हूँ फिगर में अगर मेरे को आउटपुट का मिनिमम वोल्टेज चाहिए इतना नोट कर लिया यार मिनिमम चाहिए तो देखो मैं मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूँ वी नॉट की मिनिमम वैल्यू पोलरिटी चेंज कर रहा हूँ सर आप तो बोले थे पोलारिटी चेंज नहीं करेंगे भाई मैं बोला था वी इनपुट लिखूंगा तो नहीं करूंगा नंबर लिखूंगा तो करूंगा ना नंबर तो माइनस टेन है ना वी इनपुट लिखता तो नहीं करता वी इनपुट के फॉर्म में लिखता जब भी मैं वी इनपुट रखता हूँ हर जगह तब तो क्वालिटी चेंज करने की बात ही नहीं अब नंबर है तो नंबर अब नंबर भी लिख दूँ और मैं प्लस टेन लिख दूँ क्या अभी अभी मैं बोल रहा हूँ इनपुट का मिनिमम वैल्यू चाहिए आप बोलोगे सर पोलाइटी चेंज मत करो तो मैं टेन लिख दूँ अभी भी पहले भी टेन अभी भी टेन हाँ ठीक है थैंक यू कहीं तो सोचिए सर पोलाइटी चेंज कर दे प्लस टेन थोड़ी लिख दूंगा या फिर से एक बार और नहीं तो नंबर लिख रहा हूँ तो नंबर तो है माइनस टेन ही है ना ठीक है इस बार क्या होने वाला है सर इस बार ये डी टू ऑन होने वाला है क्यों दो नेगेटिव है सर दो नेगेटिव है इस वाले में D1 का सर ये प्लस है N से कनेक्टेड और P वाला माइनस से कनेक्टेड है सर तो ये ऑफ ये ऑफ हो गया ठीक है ध्यान देखना ये ऑफ हो गया इसमें करेंट जीरो जाने दो इसमें जीरो करेंट बट ये N टू P था तो पता करेंट कैसा फ्लो रहा होगा करेंट कैसा फ्लो रहा होगा ये एन है न? ये एन है ना ये पी है तो ये ऑन है तो करेंट कैसा फ्लो रहा होगा अरे करेंट तो पी टू एन ही फ्लो होता है ना डाइवर्ट करेंट ये इतना आ रहा होगा सर मेरे को करंट की वैल्यू निकालना है डायवर्ट करंट की वैल्यू निकालना है इस केस में तो बिल्कुल निकाल लो यार जैसा करंट फ्लोर है टेन आई डी टेन आई डी फिर प्लस फोर के वी एल यार प्लस फोर फिर इसमें टेन आई डी उधर तो गया नहीं किधर उधर तो ऑफ है और इसमें माइनस टेन इक्वल टू जीरो कितना, रहा? 10 10, 20. 20 कितना रहा? इदर, रहा? आ रहा है दस और दस बीस ट्वेंटी आई डी इक्वल टू कितना आ रहा है पता आपका ध्यान देखना इधर सिक्स आई डी की वैल्यू आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री मिली एम पेयर अब क्या होता है कई बार जल्दबाजी में लोगों को नीचे बनाने की आदत है हमेशा डायवर्ट करंट भैया एन ऊपर है पी नीचे तो नीचे करंट कैसे फ्लो हो सकता है लेकिन लोगों की आदत ही होती है कि लोग सीधे करंट नीचे बनाना चाहते हैं एन टू पी करंट तो नहीं हो सकता ना यार पी से एन ही होगा ना चाहे डायवर्ट कैसा भी हो तो पी नीचे है एन ऊपर है तो ऊपर ही जा रहा होगा करंट और डायोड देखो ऑन है कि नहीं है भाई करंट पॉजिटिव आ रहा है और क्यों नहीं होगा हम तो जानते हैं उस बात को अब देखो पॉइंट थ्री मिली एम है बताओ वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वी नॉट की मिनिमम वैल्यू बताना देखना वी नॉट की मिनिमम वैल्यू वी नॉट की मिनिमम वैल्यू ऊपर से नीचे देखना चालू करो देखो ऐसा सीन लिख रहा हूँ मैं हेलो सीन लिख रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक वी आउट की वैल्यू जीरो पहले तो क्यों जीरो सर वो ऑन वाले का वोल्टेज जीरो ले लिए पहले अपन फिर माइनस फोर लिखे हेलो माइनस फोर लिखा फिर फिर देखो टेन के में करेंट कैसा आप लो रह रहे अरे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इसका वोल्टेज बनाओ इसका वोल्टेज इस 10 किलो ओम का ये करंट है ओम्स को जानते सभी लोग ये करंट आईडी है ये 10 है पोलरिटी बनाओ यार कितना होगा आई डी इंटू ये टेन आई वोल्टेज है इसका कितना वोल्टेज है टेन आई किसी रजिस्टर में करेंट का डायरेक्शन पता है तो वोल्टेज की पोलारिटी पता होती भी तो टेन आई बन गया अभी वी नॉट सिन कर रहे अपन कितना है पहले जीरो कितना जीरो फिर माइनस फोर अगला बोलो हैं माइनस टेन आई तो माइनस फोर माइनस टेन और आईडी की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री पता आंसर कितना है माइनस सेवन वोल्ट इज द वी नॉट मिनिमम वैल्यू ये बहुत ध्यान से नोट करना है सब चीज़ों को लोग आईडी नीचे बना देते बिना सोचे समझे फिर आईडी अगर ऊपर बना भी दिए तो फिर बहुत कंफ्यूजन होता है उनको मैं बोलूं कि वी नॉट देख के लिखो तो लिख नहीं पाते हो पोलरिटी के कारण ओवरऑल आपके एक, एक स्टूडेंट की जिंदगी इसी बात पे बेस्ड है आपके पास कि आर आपके पास ये बना है और करंट अगर फ्लो हो रहा है तो पोलैरिटी बनाते आना चाहिए ऐसे से स्टार्ट होता है आपके पास इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास यही होना चाहिए अफ्टर ट्वेल्थ मैं बोला कि सीन करो जब मैं बोल हूँ यहाँ से सीन करो तो सीन करने में चीजें आई तीन एक दो तीन ये तो जीरो है ऑन है डाइवर्ट तो जीरो फिर माइनस फोर फिर माइनस टेन आई डी ये ऐसा आपके पास लिखना चाहिए या फिर आप वी नॉट ऐसा है ये वी नॉट था तो ऐसा केवीएल लगा दो नहीं तो आप ऐसा सोचो तो, तो माइनस वी आउट जीरो माइनस फोर माइनस आई डी तो वी आउट उधर चला गया तो इतना आंसर ये जो दिख रहा है माइनस सेवन वोल्ट हाँ सब कितना क्लियर देखो जरा तो सोल्यूशन की बात तो क्लियर हो ही रहा है तो क्लियर किया है वाह मैं लिखता हूँ बहुत सारी बातें करता हूँ फिर नोट करते हैं अपन तो उसके पहले जब भी अप्लाई करने का मौका मिलता है फिर भी कुछ लोग का तो फील फैक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चालू हो गया लेकिन फिर भी सभी का नहीं अब ये इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग कैसे ऐसा वाला फील फैक्टर लेके आएंगे वो देखना होगा इस वाले में डाउट है अभी भी किसी को कि सही है ये इसमें किसी को भी डाउट तो अगर ये रेशो पूछे तो बड़ा अच्छा हो जाता कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास था फोर और मिनिमम वैल्यू था माइनस सेवन निगल आंसर बड़ा गुड हो सकता था ये और इसलिए भी इस, इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि एक आधी बार पूछा ऐसा नहीं है मतलब तीन चार बार मैक्सिमम और मिनिमम की बात करना पसंद की और हर बार आप इनपुट मैक्सिमम दे दो जितना इनपुट वोल्टेज होता है एक बार मिनिमम दे दो देख लो आपके पास हो सकता है क्वेश्चन इतना आसान हो क्योंकि डबल डाउट क्लिप उनको बड़ा पसंद है अभी तक हो सकता है आगे भी पसंद ही रहे तो फिर हो सकता है बिना रजिस्टेंस के तो आंसर ही खत्म हो गया फोर और माइनस फोर ही आ जाता माइनस सेवन आ रहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको पता था कि माइनस फोर से आंसर चेंज होने वाला है और कोई अगर बहुत स्मार्टली अगर सोचे तो वो ये भी सोच सकता है कि यार डायवर्ट पी टू एन है तो डायवर्ट जब ऑन होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो जब मैं ड्रॉप निकालूंगा तो ड्रॉप माइनस फोर से नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ड्रॉप तो ऐसे ऐसे वाले ड्रॉप होगा तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये वैसे भी माइनस फोर से ज्यादा नेगेटिव आने वाला है वो प्लस फोर से ज्यादा क्यों आया था क्योंकि जब भी डायोड ऑन होगा कोई रेजिस्टेंस लगाओगे तो रेजिस्टेंस ऐसा जाएगा और जब ऐसा जाएगा तो यहाँ पे ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो दोनों ऐड होके प्लस फोर से ज्यादा होने वाला था इसका ये मतलब हुआ कि डबल डायोड क्लिपर सर्किट में दोनों पाथ के अगर रेजिस्टेंस लगा दोगे तो आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू उस रेफरेंस से ज़्यादा पॉजिटिव आएगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायवर्ट करें और जो एन टू पी वाला डायवर्ट का जो रेफरेंस वोल्टेज होगा उससे ज़्यादा नेगेटिव आएगा मतलब पॉजिटिव रेफरेंस से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस से ज़्यादा नेगेटिव ठीक है ऐसा नहीं कि इसको कुछ कि, किसी जगह नोट करना प्लीज़ डोंट ऐसी चीज़ नोट करके रिस्क हो जाता है जस्ट देखने वाली बात थी इसलिए बोला मैं चलो तो जो मेरे को करवाना था वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ मेरे को पहले लगा कि पहले उसके पहले आपको मेंटली रेडी कर दूँ जैसे कि आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ और फिर मैं बात करूँ ठीक है चलो तो अब क्रिएटिविटी वाले पार्ट पे आपको लेके जाते हैं फिर से इसको हटा दे हाँ ड्रा ट्रांसफर कैरेक्टर सिख

तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा आपके पास बातें होगी गुड वे में और अब अब आप उस जगह पे पहुंच भी चुके हो कि सब बर्दाश्त कर सकते हो आप डायवर्स आइडियल आपके पास सबके सब डाइवर्स सब आइडियल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायवर्ट आइडियल आपको सॉल्व नहीं करना मैं सॉल्व करूंगा आप जैसे बढ़ते जाऊँगे जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा तो मैं आपको मैक्सिमम लिमिट तक सब चीज़ें करवा दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन उनका कोई पूछने में इंटरेस्ट रहता है इतना इस तरीके से नहीं पूछे हम लोग ठीक इनपुट वोल्टेज कितना अपने पास जीरो से फिफ्टी वोल्ट लीनियरली ली हो रहा मान लेते हैं जीरो से फिफ्टी वोल्ट हो रहा है ठीक है रेफरेंस वोल्टेज क्या क्या दिख रहा है अपने को सिक्स वोल्ट और एक ट्वेंटी वोल्ट है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सिक्स और ट्वेंटी में से कोई एक आता है कि दोनों नहीं आते कुछ नए नंबर बनते देखना इंटरेस्टिंग हो अब तीन डायोड दिए आपके पास बेसिक हमारा जो प्रोसेस है थॉट प्रोसेस वो बड़ा सिंपल है कि भाई हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे डायवर्ट का बिहेवियर हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कैसे एक बड़े से क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है फटाफट तो फटा आप देख नहीं सकते इसलिए नहीं पूछते आपके पास इसलिए अभी तक जो पूछा गया वो बड़ा ही नॉर्मल सा सब रहता है मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ कि इनपुट की बड़ी स्मॉल वैल्यू लूंगा जीरो पॉइंट वन वोल्ट लूंगा इनपुट स्टार्ट ही हुआ होगा मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि कैसे सोचना चाहिए थॉट प्रोसेस में कि यार वी आई की वैल्यू ले लो जैसे स्टार्ट हुआ कितना जीरो पॉइंट वन वोल्ट ऐसा मैंने एज्यूम कर लेते है अपना स्टाइल है ठीक है तो इनिशियली क्या हो रहा होगा तो हमारा प्रोडिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रोडिक्शन गलत हो भी गया तो वो भी हम ऐसा नहीं कि नहीं रिकवर कर सकते तो हमको दिख रहा है कि जीरो पॉइंट वन वोल्ट में सर राइट right साइड में बड़े बड़े वोल्टेजेस लगे रेफरेंस के नाम पे एक डी टू डाइवर्ट जो होना चाहिए सर बिकॉज ऑफ द सिक्स वोल्ट ऑन होना चाहिए नहीं क्योंकि उसका एन वाला जो पोटेंशियल इधर से कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे होंगे सिक्स वोल्ट आपके पास सर और डी थ्री सर ऑफ होना चाहिए बिकॉज ऑफ द ट्वेंटी वोल्ट एन से कनेक्टेड है ट्वेंटी वोल्ट इनपुट आप इतना स्मॉल देके रख रहे तो डी थ्री प्रोडिक्शन ये कि डी थ्री ऑफ होना चाहिए डी टू ऑन होना चाहिए और डी टू अगर ऑन है डी थ्री तो डिसकनेक्ट हो गया ट्वेंटी वोल्ट कुछ नहीं करेगा तो डोंट वरी फॉर द ट्वेंटी वोल्ट क्योंकि डी थ्री ऑफ है बिकॉज ऑफ द ट्वेंटी वोल्ट बट ये सिक्स वोल्ट के कारण डी वन ऑफ होना चाहिए क्योंकि इनपुट बड़ा स्मॉल है तो जो डी वन है उसका लेफ्ट वाला इनपुट से कनेक्टेड है जो कि बड़ा है स्माल है। और एन वाला इधर सिक्स वोल्ट से कनेक्टेड है क्योंकि डी टू ऑन है तो हमारा प्रोडिक्शन ये कहता है कि डी वन क्या होना चाहिए हमारा प्रोडिक्शन जो कहता है कि डी वन ऑफ होना चाहिए डी वन ऑफ होना चाहिए ड्यू टू स्मॉल वी इनपुट एंड सिक्स वोल्ट और डी टू ऑन होना चाहिए ड्यू टू सिक्स वोल्ट डी टू है ना ये तो हाँ डी थ्री ऑफ होना चाहिए ड्यू टू ट्वेंटी वोल्ट ये देखो जरा ध्यान से सोचो और अगर ऐसा है तो D1 को ऑफ़ कर दो और पोलैरिटी भी बना लो वोल्टेज की VD1 लिखते वन यार ये बहुत सारे रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसका मतलब है कि क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल होगा तो 5 किलो ओम है डी टू डाइवोड आपका ऑन है बिकॉज ऑफ द 6 वोल्ट और नीचे 6 वोल्ट है ठीक है और ये डी टू डाइवोड है पी टू एन हमेशा देखना है तो आई डी टू करेंट ऊपर फ्लो होना चाहिए ये फाइव किलोम आपको अपने पॉइंट्स नोट करना है है ना क्योंकि उसके बाद जब मेरे खत्म हो जाएगा तो डायोड सर्किटरी के बारे में मैसेज सुनने को आपको नहीं मिलेगा फिर आप चाहे कुछ भी पढ़ते हो कोई भी टेस्ट देते हो कोई भी बुक पढ़ते हो कोई भी तरीका अप्लाई करते हो सिर्फ मैसेज सुनने को नहीं मिलेगा तो इसलिए आप जितनी देर तक मैं बोलता हूँ उतनी तो देर तक बहुत अच्छे से देखा करो आप वी डी थ्री ट्वेंटी के और इस क्वेश्चन की खूबसूरती एक और है कि आपके पास एक लोड में सन रजिस्टेंस भी लगा के रखा गया है मतलब जो जो हो सकता है सब कुछ कर दिया गया इसलिए बोला ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ड्रॉप कर देना ये वी नोट और ड्रॉप करने का मतलब है कि जब तक 65 क्वेश्चन ना देख लो उसके बाद ही वापस आना चाहिए जैसे तो दो चार क्वेश्चन ऐसे हो सकते जो आपको आते हो लेकिन आपको तो भी अटेम्प्ट नहीं करना एग्जाम के दिन जब तक कि पूरा पेपर ना देख लिया जाए फिर वापस आ सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ तो टाइम भी है और जितना बनना था बन गया और वो क्वेश्चन बन सकता है और टाइम लग भी रहा तो क्या प्रॉब्लम है बाकी तो आप जितना था देख लिए कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन में टाइम अपना ज़्यादा दे देते एग्ज़ाम में जो आपको आता था तो आने वाली चीजें कभी कभी रिस्की भी होती है टाइम बहुत मैटर करेगा ना एग्जाम के दिन तो ये आपके पास इस फिगर में अब मेरे को यह पता है कि यार जो तीनों चीज़ें सेटिस्फाइड करना चाहिए अगर एक भी गलत हुआ तो फिर तो हमारा एजेंशन ही रॉन्ग हो जाएगा तीनों में से अगर एक भी गलत हुआ तो पूरा एजेंशन ही रॉन्ग हो गया फिर तो सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है वो आपको ऑफ होना चाहिए या आपको ऑन होना चाहिए और करंट बना दिया करंट पी टू एनी फ्लो होता है यार यहाँ का वोल्टेज कितना था सिक्स वोल्ट अगर ऐसा है अगर ऐसा है और इनपुट की वैल्यू आप बोले कि जीरो पॉइंट वन वोल्ट ये बड़ा स्मॉल है यहाँ से आपके पास कितना है ये जीरो एमपिया करंट है जीरो एमपिया करेंट तो ये टू पॉइंट फाइव किलोम का ड्रॉप कितना हो गया जीरो वोल्ट से जीरो एमपिया करंट ना एकविलेंट बड़ा अच्छे से बनाइए आप ठीक है तो इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है तो करेंट तो सिर्फ एक ही पाथ में फ्लो हो रहा है ये किस में ये ये देखो ऐसा करेंट रहा है बस नहीं देखो अरे दो पाथ तो ओपन ही है तो इसमें के वी एल लगाएं इस आई डी टू को निकाल भी लेंगे माइनस सिक्स प्लस फाइव आई डी टू आई डी टू भी निकल जाएगा फिर सर फाइव आई डी टू ओके और बस जीरो सर तो आई डी टू की वैल्यू कितना आ रहा पता है आपके पास जीरो पॉइंट सिक्स मिली एम देखो जरा चेक करो एक बार इसका तब ये ट्रू है राइट मार्क किया इसका तब तबियत डी टू ऑन है इसका तब डी टू ऑन है यार जिसको आप ऑन बोले थे डी टू ऑन है और अगर ऐसा है तो फिर वी नॉट की वैल्यू कितना है सर ये जो करंट है पॉइंट सिक्स ये मल्टीप्लाई होगा सर ये फ़ाइव ओम में कितना सर थ्री वोल्ट आउटपुट थ्री वोल्ट है आपके पास इस जगह पे एक चीज तो हम फाइंड आउट कर लिए कि आई डी टू आपके पास पॉजिटिव आ रहा है ट्रू है डी टू डाइवर्ट ऑन है बिल्कुल सही वी नॉट की वैल्यू कितना निकालिए आप थ्री वोल्ट देखो ये थ्री वोल्ट है वी नॉट थ्री वोल्ट इस फिगर में हर जगह थ्री वोल्ट वी नॉट इज थ्री वोल्ट अगर ये थ्री वोल्ट है और इनपुट को आप अगर पॉइंट वन वोल्ट दे रहे थे बड़ा स्मॉल वैल्यू स्टार्ट किए थे तो पॉइंट वन इक्वल टू क्या है सर पॉइंट वन इक्वल टू है सर वी डी वन और कितना है और सर आउटपुट थ्री वोल्ट तो वी डी वन की वैल्यू बताओ सर माइनस टू पॉइंट नाइन वोल्ट है इसका तो ये भी ट्रू है बिल्कुल ट्रू है ये भी ऑफ था सच में ये नेगेटिव वैल्यू ये।, ये आपके पास अप्लाई कर रहा है आपके पास कि वीडियो जो डायोड डीवन था वो ऑफ था पोलरिटी अगर आप कुछ और ले लिए तो वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है भाई इतना सारा मेरे मेहनत करने के बाद आपको लगता है आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे तो सब आपका पर्सनल प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने के बाद भी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसको टेक्निकल नहीं पढ़ना चाहिए उसको दूसरा सोचना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है उसको फिर और अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए एकदम कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं मैं कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई सब्जेक्ट समझ ना आए इसका वो सब्जेक्ट आप समझ नहीं आएगा चाहे आप कोई भी कुछ भी हो जाए क्योंकि तो मैं जितना सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ अठारह अच्छा साल उन्नीस साल हो गया यही करते करते तो इससे सिंप्लीफाइड और नहीं हो सकता तो मेरे से पढ़ने से एडवांटेज ये भी है कि आपको जल्दी से पता चल जाता है कि आपको आगे आना है कि नहीं आना है कोई क्या बोलेगा मैटर नहीं करता है ठीक है उस सच है कि अपन परफॉर्म ना कर पाए तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, है तो वी डी वन की वैल्यू जो है माइनस टू पॉइंट नाइन वोल्ट है क्योंकि जीरो पॉइंट वन वोल्ट लिया था मैं एज्यूम किया था इसका था मैं पी को प्लस और एन को माइनस लेके वोल्टेज लिखता हूँ जिससे कि डायोड का आपके पास अगर वो ऑफ है तो उसका वोल्टेज नेगेटिव आ जाएगा एक और चीज़ बताए आपके पास अगर मैं बोलूं कि यार वीडी थ्री बताओ तो 20 किलो ओम का ड्रॉप कितना होगा जब जीरो होता है तो ऊपर नीचे कहीं पे भी फ्लो करा दो डरने की जरूरत नहीं जीरो एम्पियर का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है मान लो ऊपर से फ्लो हो रहा है क्या फर्क पड़ता है बताओ आउटपुट कितना है ये देखो थ्री वोल्ट है थ्री वोल्ट इक्वल इक टू कितना होगा ऊपर से देखना चालू करो यार यी वोल्ट इक्वल टू थ्री वोल्ट इक्वल टू ये ट्वेंटी ओम का ड्रॉप जीरो जीरो लिखो फिर प्लस वी थ्री और लिखो प्लस ट्वेंटी बताओ वी थ्री कितना है माइनस सेवेंटी इसके ब्रैकेट में राइट मार्क कर सकते हो सब सही है कैसे गलत हो जाएगा अपना सब सही है जो हम बोल रहे थे ऑफ वो ऑफ है जिसको हम बोल रहे थे ऑन वो ऑन है अब इस एक क्वेश्चन से सॉल्व करने से इतनी सारी चीजें जो है मैं बोला कि ये ऑब्जेक्टिव वाइज तो थॉट कभी हो नहीं सकता एग्जाम का लेकिन इसे एक क्वेश्चन से सॉल्व करने से क्या होगा कि कल वो पूछते हैं कि बताओ यार कौन सा डायवर्ट ऑन है कल वो बोलते हैं डायवर्ट करने बताओ उस क्वेश्चन में क्या रखा फिर इसलिए इतना बेहतरीन पता होना चाहिए कि कल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन एक डायवर्ट दो रजिस्टर वाला सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही अभी आपको क्या पता है कि इनिशियली आउटपुट थ्री वोल्ट था जैसे स्टार्ट हुआ था तभी आउटपुट थ्री वोल्ट था पता है आपको कितना था आउटपुट थ्री वोल्ट बट आपको क्या नहीं पता पता है कि ये फिगर वैलिड है तो ठीक है इनपुट वोल्टेज इनिशियल वैल्यूज पर इनपुट की वैल्यू जीरो से ज़्यादा दोगे और आउटपुट थ्री वोल्ट आएगा सही है बट आपको ये नहीं पता कि थ्री अभी आपके पास जो इनपुट है वो जीरो से कब तक ठीक है क्या नहीं पता इनपुट जीरो से कब तक वो कैसे पता चलता है जब आपको आउटपुट के बारे में भी आइडिया हो जाता है इस जगह पर ध्यान रखिएगा जैसे ही वर्किंग स्टार्ट हुई आप इनपुट वोल्टेज जीरो पॉइंट वन दिए डी वन ऑफ हुआ डी टू ऑन हुआ डी थ्री ऑफ हुआ और आउटपुट थ्री वोल्ट ठीक है अब इनपुट बढ़ते जा रहे हैं कब तक बढ़ेगा बड़ा इंटरेस्टिंग है वो तब तक बढ़ेगा जब तक की कंडीशन चेंज ना हो तो पहली कंडीशन चेंज का होने वाली पहली कंडीशन ध्यान से देखना भैया देखो ये तो ट्वेंटी वोल्ट है यार ये तो ऑफ ही रहेगा इसको तो छोड़ो बहुत बड़ा है अभी तो जीरो पॉइंट वन से स्टार्ट किया था वो तो बहुत दूर है वो तो ऑफ ही रहते रहते ऑफ स्टार्टिंग से ऑफ है अभी ये कितना है ऑन बिकॉज ऑफ द सिक्स वोल्ट ये जिस समय ये ऑफ होगा यहाँ का वोल्टेज सिक्स से ज़्यादा होना चाहिए बट आउटपुट तो थ्री वोल्ट है हेलो आउटपुट कितना है थ्री वोल्ट है तो थ्री वोल्ट और ये सिक्स वोल्ट है सही बात तो है ऑन रहेगा ये जब ये सिक्स से ज़्यादा होगा यहाँ का वोल्टेज तभी ऑफ हो सकता है तो ठीक है ये भी ऑन वो ऑफ कुछ नहीं होगा बस क्या है यहाँ का वोल्टेज कितना था इनिशियली स्टार्ट होते ही से थ्री वोल्ट ये थ्री वोल्टेज डायवर्ड को देखो ये डी है डी का एन वाला रजिस्टर के साथ लगा सीरीज का रजिस्टर एक डायोर्ड को कुछ नहीं करेगा डोंट वरी फॉर दैट यहाँ का वोल्टेज कितना है थ्री यहाँ का थ्री वोल्ट आउटपुट यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है ये डी वन ऑन कब होगा थ्री वोल्ट से ज्यादा करेंगे इसका मतलब पता है अगर ये ऑफ है ऑन कब होगा जब थ्री से ज्यादा करेंगे इसका मतलब ये ऑफ है तो इसका इस फिगर के नीचे क्या है पता है इनपुट वोल्टेज का रेंज है जीरो से लेकर इनपुट वोल्टेज कहाँ तक होगा पता आपको थ्री वोल्ट तो क्यों थ्री के बाद तो चेंज होने वाला है यार वो डायवर्ड ऑन होने वाला है तो ये तब पता चलता है ये ये नंबर बाद में पता चलता है जब आप ओरिजिनल स्टोरी तक पहुंच जाते हो ये अभी पता चला कि थ्री वोल्ट तक ये डायवोड ऑफ ही है वो डीवन वाला मतलब मैं अगर बोलूं कि ये फिगर वैलिड है वी के किस रेंज के लिए ये सबसे लास्ट ये जो नंबर है वो लास्ट में पता चलता है स्टार्टिंग में तो सिर्फ जीरो से ज़्यादा पता चला था ये नहीं पता चल सकता ये तो बाद में पता चलेगा जब आप स्टोरी कंप्लीट कर लोगे तो इनपुट का जो लास्ट रेंज होता है वो स्टोरी कंप्लीट होने के बाद आता है थ्री वोल्ट आया ना भाई वोल्ड आया ना क्योंकि ऑन होगा अब से ज्यादा दूंगा वो सेकेंड स्टोरी का पार्ट होगा लेकिन कितना वो आएगा एंड में जब सेकंड स्टोरी कंप्लीट होगी ठीक तो ये आपके पास पार्ट कंप्लीट हुआ और अभी तीनों में से अभी तीनों चेंज करना इंपॉर्टेंट है फिफ्टी तक तीनों चेंज होते कि नहीं देखना है पहला चेंज होने वाला है अभी तो कुछ चेंज नहीं है तो स्टार्ट हुआ है पहला चेंज होने वाला है डी वन ऑन होकर जब मैं थ्री से ज्यादा दूंगा कितना वो तो नहीं पता तो अगला फिगर बनाने जा रहा हूँ मैं और पहले एक ही डायोड चेंज होगा बाकी दोनों के नहीं एक ही डायोड इतना नोट कर लिए होंगे मैं बोल देता हूँ कि चलो बोर्ड में अगर मैं उधर ना जाऊँ यहीं पर रहता हूँ मैं बोल रहा हूँ देखो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू था इनपुट था इनपुट लिखो यार इनपुट था मैं बोल रहा हूँ देखो फिगर में नया फिगर थ्री वोल्ट से ज़्यादा वी इनपुट कितना ये तो कोई नहीं बता सकता यार ये कोई कैसे बता देगा बिना स्टोरी एंड हुए ये नहीं बताया जा सकता कभी भी ये कब पता चलता है इस फिगर की स्टोरी के एंडिंग में जब ये फिगर की स्टोरी एंड होगी डी वन क्या है बताओ आपको अभी अभी क्या है डी वन ऑन हाँ ऑन यहाँ से आई डी वन करेंट फ्लो होना चाहिए अरे होना ही चाहिए भाई ये क्या है ऑन है अरे ऑन है ही सिक्स वोल्ट के कारण करेंट कितना आई डी टू पी टू एन बिल्कुल सही ये ट्वेंटी वोल्ट के कारण ऑफ अभी भी है ये ये वी डी थ्री ये फिगर बना दिए और ये सही है तो इसका वोल्टेज नेगेटिव आएगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव करंट आएगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव करंट आएगा और नॉट क्या होगा वो भी देखना होगा ये फिगर है मेरे पास थ्री वोल्ट से ज्यादा पे कब तक नहीं पता आप सर्किट डायग्राम बनाते रहिए आप मेरी बात भी सुन रहे हो सर्किट में एक भी कमी नहीं होना चाहिए अगर आप एक भी सर्किट मिस कर दिए तो फिर आपका कंसेप्ट कनेक्टेड नहीं हो पाएगा और कोई ये ना सोचे कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आने वाला सर करवा भी लेंगे तो क्या होगा ऐसा थॉट इसका मतलब ये कि फिर आप एक गुड टेक्निकल स्टूडेंट नहीं क्योंकि आप उस सही तरीके से सोच नहीं रहे जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं अगर आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन किसी के भी है कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं सर तो हम आप समझा भी दोगे और हम समझ भी लेंगे तो क्या होगा अगर ये थॉट है तो फिर बहुत ही नेगेटिव थॉट है ये देखो देखो एग्जाम का अपना एक स्टाइल होता है चाहे आप आई टी प्रिपरेशन किए होंगे चाहे कोई भी बड़े से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बहुत बड़े नंबर जो होता है स्पूडेंट का बहुत ज्यादा होता है जब तक आप उन सबके बीच में से निकल के कुछ बेहतरीन टाइप से नहीं आओगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो हमको किसी भी टॉपिक के एकदम इनट तक पूरा गुड आइडिया होना चाहिए मैं किसी से बोलूं कि यार इस फिगर में बाकी तो फिगर बता ही हूँ कि इस फिगर में बोलूं कि वे नॉट क्या लग रहा है आपको वे नॉट की वैल्यू क्या होगी वे आउट की वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ से इतना हटा देता हूँ ये तो पहले वाला था ये तो थ्री से ज़्यादा आपके पास है ठीक है इधर आपके पास ये है आई वन वो आई डी टू ये मेरे तो को सॉल्व करना है क्या लग रहा है आपको ये तो बड़ा सा फिगर दिख रहा है फिगर भी बहुत बड़ा दिख रहा है अगर मैं बोलूं कि आपको वी आउट की वैल्यू चाहिए तो वी आउट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे देखना ध्यान देखना आप है ना सेकेंड स्टोरी चालू है पता है वी आउट क्या क्या है देखो एक तो अच्छी बात ये इस फिगर की कि ये वी आउट है पहले में वोल्टेज सेम होता है सर ये क्या है वी आउट ये क्या है वी आउट और इससे अच्छी बात क्या हो सर इस फिगर की नोट मारो यार एक ब्रांच तो ओपन ही है जाने दो उसको नोट लगा लेते हैं मिस्टर किरच ऑफ के लॉ को यूज करते रहो सर वी आउट अपॉन फाइव एक ब्रांच हुआ एक ब्रांच को तो लिखो मत वो तो ओपन सर्किट है दूसरा ब्रांच लिखो यार वी आउट माइनस सिक्स डिवाइड बाई कितना है फाइव है और एक और सर वी आउट माइनस वी इन डिवाइड बाई कितना है टू पॉइंट फाइव इक्वल टू जीरो चेक करो तीन ही ब्रांच थी वी आउट माइनस वीन बाई टू पॉइंट फाइव वी आउट बाई माइनस सिक्स फाइव का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया वी आउट फाइव का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया वी आउट माइनस सिक्स ये हो गया टू वी आउट माइनस टू वी आई एन इक्वल टू जीरो बहुत सारे वी आउट हो गए फोर वी आउट चेक करना है एक बार फोर वी आउट इक्वल टू टू वी आई एन प्लस सिक्स है पता वे आउट की वैल्यू कितना हो गया टू बाई फोर वी इन बाई टू प्लस सिक्स बाई फोर मतलब थ्री बाई टू चेक करो एक बार कुछ मिस्टेक होगा तो फिर से एक बार देख लूंगा मैं चेक करो नोट लगा दिया हम वे आउट पर नोट मार दिया मैं एक तो वोल्टेज था नोन आपके पास वे आउट जिसकी वैल्यू आपके पास थी वे आउट इन टर्म्स ऑफ वी ना है भाई पता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्री बाई टू इंटरसेप्ट और स्लोप इज वन बाई टू यह वी आउट की वी आउट की एक वैल्यू नहीं हो सकती वो डिपेंड करेगा वी इन की वैल्यू पे हाँ लेकिन फिर भी अभी आपको आउटपुट मिल गया लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि इनपुट वोल्टेज थ्री वोल्ट से तो आगे है ये सर्किट कब तक वैलिड होगा तो आपको इनपुट का लास्ट वैल्यू नहीं पता इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो स्टोरी एंड नहीं इसकी मतलब क्योंकि आप ये कंप्लीट नहीं किया अभी कंप्लीट ही नहीं है अभी अभी ये आधा कंप्लीट है थ्री वोल्ट से ज़्यादा पे फिगर सही बात है कब तक वो नहीं पता अभी तक इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम क्या क्या कर चुके हैं आपके पास तीन डायवर्ट थे एक डायवर्ट को तो आप ही चुके हैं जो डाइवर्ट ऑलरेडी ऑफ था उसको ऑन कर चुके हैं भाई उसको ऑलरेडी कर चुके हैं आप ध्यान से देखना अब ये, ये इसका काम हो गया बचे दो इनको भी तो करना है आपको ये डायवर्ट क्या था पी टू एन बीस और छः में से सबसे पहले कौन आएगा सिक्स ही आएगा यहाँ का वोल्टेज कितना है बताओ वी आउट यार वी आउट अरे वी आउट दिख रहा है ना ये पी का पोटेंशियल सिक्स वोल्ट है और एन पे कनेक्टेड है वी आउट ये डायवर्ट जो ऑन है बिकॉज ऑफ द सिक्स वोल्ट ये डायवर्ट ऑफ कब होगा डी टू V वी आउट ग्रेटर देन सिक्स वोल्ट पे डी टू का बिहेवियर चेंज होने वाला है ये स्टोरी का एंडिंग पार्ट ये आपको देगा स्टोरी का एंडिंग पार्ट क्या वी आउट ग्रेटर देन सिक्स वोल्ट भाई सिक्स वोल्ट के कारण तो ऑन था मैं तो बोला था ना शुरू में कि यह डायवर्ट तभी ऑफ होगा जब ऊपर वाला वोल्टेज सिक्स वोल्ट से ज्यादा होगा और अभी ऊपर वाला वोल्टेज क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है वी आउट क्या है वो वे आउट तो D2 डायोड का बिहेवियर चेंज होने के लिए मतलब D2 को ऑफ होने के लिए क्योंकि स्टार्टिंग से ऑन है V आउट की वैल्यू ग्रेटर देन सिक्स वोल्ट होना चाहिए रुको आप V आउट है क्या V आउट है सर V इनपुट बाय टू प्लस थ्री बाय टू इज ग्रेटर देन सिक्स वोल्ट तो v इनपुट बाई टू इज ग्रेटर देन सिक्स माइनस थ्री बाई टू तो यह किया आपके ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस थ्री तो नाइन बाई टू टू कैंसिल आउट सर v इनपुट ग्रेटर देन नाइन वोल्ट होना चाहिए अगर आप नाइन वोल्ट से ज्यादा इनपुट वोल्टेज दे दिए यहां से स्टारी स्टोरी स्टार्ट हुई सिक्स वोल्ट से अगर इनपुट वोल्टेज नाइन वोल्ट से ज्यादा दे दिए तो सर डी टू ऑन डी टू जो होगा वो ऑफ हो जाएगा लेकिन डी टू अभी क्या है सर ऑन इसका मतलब इनपुट वोल्टेज थ्री वोल्ट से लेके कहाँ तक है नाइन वोल्ट ये लास्ट में पता चला अब भी पता चला आपने को उसके पहले उसके पहले कोई भी हो दुनिया में किसी को भी नहीं पता चल सकता भाई तो थ्री से लेके कहां तक है सेकेंड स्टोरी नाइन तक है अगर नाइन से ज्यादा दे दिए तो ये भी जाएगा फिर बचेगा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव अपने को क्लियर रहना चाहिए जो भी स्टार्टिंग में सबको एंड करते जाना है अगले केस में ये चेंज होने वाला है इन वोल्ट से ज्यादा पे कब तक वो नहीं पता वो तो स्टोरी के एंड में पता चलेगा वो स्टोरी के एंड में पता चलेगा और आउटपुट आया इनपुट बाई टू प्लस थ्री बाई टू था आपके पास बहुत ही गुड बात हुई इतना पहले आप एक बार देख लो और आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए बिकॉज एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूं आप तो सिर्फ सुन रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर सिर भारी हो जा रहा है सुनने में भी सिर भारी होने लग जाएगा तो फिर तो क्या बात बचेगी फिर गेट के एग्जाम के दिन तो सिर्फ भारी नहीं होगा ब्रेक हो जाएगा तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं टेक्निकली मेरे को लगता है कि उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में किया उसका सिलेबस अपने यूनिवर्सिटी के स्टाइल के अकॉर्डिंग था कॉलेज में उसकी स्टडी उसके अकॉर्डिंग होती थी पेपर कैसे भी दिया फिर आईआईटी वाले जब अपना पेपर बनाते हैं तो ये सोचते हुए बनाते कितना इंजीनियर को आना चाहिए तो मेरे को लगता है कि पूरा सिलेबस सेम होना चाहिए पूरे इंडिया के हर प्राइवेट कॉलेज से लेकर सभी लोगों का और सभी लोगों को उस तरीके से पढ़ाना चाहिए तब आप पेपर दोगे तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है चार साल पढ़ता है उसका सिलेबस ही उस टाइप का था उसका कॉलेज का माहौल वैसा था टीचर को भी नहीं आता ज़्यादा कुछ वो भी खुद गेट का एग्जाम दे तो उससे भी ना बने तो फिर उस स्टूडेंट के साथ स्ट्रगल बड़ा होता है और बाद में वो कंक्लूड करता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो उसका एजुकेशन जो था वो फोर ईयर्स का बड़ा गुड हो नहीं रहा या हुआ नहीं इसलिए वो स्ट्रगल करते रहता इसलिए गेट का एग्जाम बड़ा लगता है उसको तो डिफरेंस है ना दोनों जगह पे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है अगर वो एग्ज़ाम हो तो आप बोले कंफर्टेबल रहोगे अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस सिस्टम से बाहर आपको निकल के एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो आप स्ट्रगल करते रहते हो तो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की नीड है या तो फिर ऐसा पेपर होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के लिए पैरामीटर है उसके बिना फर्स्ट ईयर कंप्लीट ही नहीं होना चाहिए तो और हर एक स्टूडेंट अपना फिर उतना पढ़ के निकालेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट होने के लिए ये पैरामीटर है पोटेंशियल सब में होता है वो तो उसको कंफर्ट मिलता है इसलिए वो पढ़ता नहीं होम्स लॉ में लोगों को डाउट है चार साल के बाद तो क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है आपने ही पास करने देना था फर्स्ट ईयर बिना होम्स लॉ जाने तो उसको पता चल जाता तो सिस्टम में चेंज होने की नीड है ठीक है वापस आते हैं अपन इस स्टोरी में थ्री से लेके नाइन वोल्ट है कॉलेज में सोचो अगर यही सब चलते रहता होगा एक एकदम डायोड के साथ अगर एकदम तो डिस्कशन चल रहा होगा आपका और आपको क्लियर है कि आपका पेपर निकल ही नहीं सकता जब तक आप डायोड को हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप सीख ही जाते अगर ये क्लियर होता कि इसके बिना आप सेमेस्टर नहीं निकाल सकते समझ आ रहा है? नहीं सीख जाते सीख जाते आप आप उतना सब कुछ सीखे जितना सेमेस्टर निकालने के लिए जरूरी था और वो लगभग जीरो के आसपास ही था <laughs> तो इसलिए ले देखे आपके पास कंसेप्चुअल चीजें नहीं हुई नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते आपको सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करते हो तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि सबसे ज्यादा मिस्टेक आपकी है आपकी जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आप कर लिए पेपर निकालने के लिए चार दिन की जरूरत थी चार दिन पढ़ लिए जिनको तीन दिन की जरूरत थी तीन दिन पढ़ लिए तो सब लोग अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाते अगर सिचुएशन ही वैसे नहीं होती तो लोग पढ़ते पहले दिन से पढ़ते मेडिकल वाले लोग तो पढ़ते ही है ना उनको तो पता ना नहीं निकल सकता पेपर ना तो अब क्या उनके हाथ में तो अब जानी है ना उनको कैसे निकाल दे अब इंजीनियर का को तो कोई कुछ समझता है नहीं है लगता हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है निकाल दो पेपर दे दो बस बाकी कोई वर्क करना है तो डिप्लोमा वाले कर ही लेंगे ठीक है तो ऐसा वाला तो सिचुएशन है तो अब देखो आपके पास D2 टू डाइवर्ट जो होगा बोर्ड चेंज करते हैं इस बार में D2 टू डाइवर्ट जो होगा वो अभी तक स्टार्टिंग से ऑन था बिकॉज ऑफ द सिक्स वोल्ट अब ऑफ होने जाने वाला है और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना कि देखो वे आउट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ थ्री से लेकर फोर वोल्ट दे दूँ अगर मैं फोर वोल्ट अगर आपको अप्लाई कर दूँ यहाँ पे और मैं बोलूँ कि देखो यहाँ पे फोर वोल्ट है और यहाँ पे थ्री से ज़्यादा कोई भी वैल्यू दे दिए फोर वोल्ट दे दिए और वे आउट की वैल्यू आपके पास है और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फोर वोल्ट तो आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी और करेंट निकल जाएगा मतलब वी इन अगर फोर पुट करूंगा तो फोर बाई टू तो टू हो गया थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव हो गया टू प्लस वन पॉइंट फाइव की तो कितना थ्री पॉइंट फाइव आ गया ये वी आउट की वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव है और वी इनपुट की वैल्यू फोर वोल्ट है फोर वोल्ट थ्री पॉइंट फाइव से ज्यादा होता है आ डी वन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सब सही एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप करेंट निकालना चाहो तो करेंट भी निकाल सकते हो तो समझ जाता आई डी वन निकालना है तो तीन से लेकर नाइन वोल्ट थ्री टू नाइन वोल्ट के बीच का कोई भी नंबर इनपुट का पुट कर दो तीनों ही सेटिस्फाइड करेगा जो बोर्ड में दिखा हुआ है कोई भी नंबर पुट कर लो फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये पॉजिटिव करंट आएगा ये पॉजिटिव करंट आएगा और ये आपके पास वी डी थ्री की वैल्यू नेगेटिव आएगी कंफर्म आएगा ही इसका मतलब ये हुआ कि चलो नहीं तो खत्म ही नहीं होगा होमवर्क में अपन क्या क्या डालते जाते हैं वो भी बता जाता हूँ इस जगह पे आप आई डी वन की वैल्यू निकालोगे यस आई डी टू की वैल्यू निकालोगे यस और वी डी थ्री की वैल्यू और ऊपर से वैल्यू भी बता देता है जिससे आपको पता रहे क्योंकि आप नहीं तो कोई भी नंबर पुट कर सकते हो सब सही होगा वी इनपुट फोर वोल्ट पुट कर लेना अभी नहीं करना है सबको तो वी इनपुट थ्री से नाइन कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं आप फोर वोल्ट पुट करके तीनों निकाल लेना सेटिस्फाइड करेगा कोई बात भी नहीं है ठीक है तो होमवर्क भी बनाते जा रहा हूँ अगले केस में मैं बढ़ रहा हूँ बोर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं नाइन वोल्ट से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ ये डायवर्ड आपका ऑन हो चुका था यहाँ पर टू किलो ओम था ये ये वाला जो डायवर्ड था ये ऑफ और ये सिक्स वोल्ट और ये एन टू पी था तो पी वाला प्लस और एन वाला माइनस तो ये वीडी टू और ये फाइव किलो ओम फिर यहाँ पे ट्वेंटी किलो ओम ये डायोड ऑलरेडी ऑफ है ये वी डी थ्री ये ट्वेंटी किलो ओम और ये ट्वेंटी ये, और ये वी आउट इस फिगर के नीचे क्या लिखने वाले आप इनपुट वोल्टेज का रेंज नाइन वोल्ट से ज़्यादा और कितना वो नहीं पता बस ये क्लियर रहना चाहिए आपको ये इनपुट वोल्टेज ए डी वन ऑन है यहाँ से आई डी वन करंट अगर फ्लो भी हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा ये ऑफ देखो यहाँ से करंट अगर जीरो एम्पियर है दोनों से करंट जीरो एम्पियर है, तो इधर से भी करंट आपके पास कुछ गड़बड़ हुआ अच्छा हाँ हाँ वही मैं सोच कुछ कुछ तो होने जा रहा है सोचा मैं इतना डायलाकबाजी मार ही रहता था कुछ होगा भी होगा हाँ ये इधर बाजी ज्यादा मारने से कुछ भी होने के चांसेस हमेशा से रहते हैं ना इसलिए आप टीचर बने तो सोच के मारना हाँ वी आउट यहाँ पे ये दोनों में आपके पास अगर है करंट जीरो भी है तो यहाँ पे वी आउट है तो दोनों में तो आपके पास था नहीं अब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस समय में क्या होगा तो अगेन आप नोट लगा सकते दो ही ब्रांच है एक ही एक और एक, एक इनपुट वाला अगेन आउट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट तो पता है नोट लगाने से मिस्टर स्विच रूल लगाने से वी आउट डिवाइड बाई फाइव ठीक है दो ब्रांच नहीं बना रहा ओपन है दोनों लास्ट वाला कितना है वी इनपुट माइनस वी आउट माइनस वी इनपुट डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव फाइव का मल्टीप्लाई करो तो वी आउट आ गया और टू टू वी आउट माइनस टू वी इन टू वी इन आ गया इसका मतलब है कि इसमें इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है टू बाई थ्री वी इन आ रहा है चेक करो वी आउट के लिए टू बाई थ्री वी एन है इस फिगर में ये सब वी आउट है ये सब वी आउट है ये देखो ये वाला काम हो चुका पहला डाइवर्ट का डी टू डाइवर्ट भी हो चुका अभी हो चुका है अब डी थ्री डाइवर्ट पे है और ये ऑफ क्यों था बिकॉज ऑफ द ट्वेंटी वोल्ट ये ट्वेंटी वोल्ट के कारण ऑफ था पता है ये ऑन कब होगा ये ऑन कब होगा वी डी थ्री वी आउट ट्वेंटी वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए ऑन हो जाएगा तो D3 को ऑन करने के लिए क्या जरूरी है ये D3 को ऑन करने के लिए सर वी आउट का 20 वोल्ट से ज्यादा होना जरूरी है तो वी आउट कितना है टू बाई थ्री वी इन है तो ग्रेटर देन ट्वेंटी तो पता है वी इन की वैल्यू कितना आ रहा है ग्रेटर देन 30 वोल्ट इनपुट वोल्टेज 30 वोल्ट से ज्यादा कर लो ये वाला D3 डायोड जो स्टार्टिंग से ऑफ है बिकॉज ऑफ द हाई ट्वेंटी वोल्ट ये ऑन हो जाएगा इसका तब यह फिगर कहां से कहां तक वैलिड ये वाला फिगर नाइन वोल्ट से लेके थर्टी वोल्ट ये पता चलता है लास्ट में स्टोरी के एंड में नाइन से लेकर थर्टी तक तकली फिगर वैलिड है अगला क्या होगा थर्टी वोल्ट से लेकर फिफ्टी वोल्ट खत्म है बस उस डायोड को ऑन करेंगे स्टोरी का लास्ट पार्ट हो गया उसको ऑन करना तो बचा अच्छा बस अब बेटा ध्यान से नोट कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि लास्ट वाला आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना चाहिए इसके बाद वाला प्रोसेस जिसमें आप एक नया फिगर बनाएंगे और 30 से कितना लिखेंगे इतना ही इनपुट 30 से 50 50 मैक्सिमम था अपने पास 30 से 50 वी इनपुट का रेंज हो गया और वो डी जो डावर्ड है जो स्टार्टिंग से ऑफ़ है उसको ऑन करेंगे और वी आउट इस समय क्या होगा इसके बाद वाले फिगर में मैं करूँगा लेकिन आप लोगों के बाद आप सर्किट डायग्राम बना लो और वी आउट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले में भी क्या करते हैं होमवर्क क्या करते हैं इस वाले में इस वाले फिगर के लिए होमवर्क क्या करते कि वी इनपुट के लिए नाइन से लेकर थर्टी होना चाहिए चलो वी इनपुट ट्वेंटी वोल्ट कर लेता हूँ वी इनपुट ट्वेंटी वोल्ट के लिए आप आई डी निकालना पॉजिटिव आएगा भाई कन्फर्म कितना आएगा वो देखना रहेगा और वी डी टू की वैल्यू फाइंड आउट करना वो लेस देन जीरो वोल्ट आएगा कितना आएगा वो देख लेना और वी डी थ्री की वैल्यू वो भी लेस देन जीरो वोल्ट आएगा वो आएगा कितना आएगा ये चेंज नहीं हो सकता पहले मैं बोल चुका हूं तो नहीं होगा ये नाइन से थर्टी कुछ भी नंबर हो सकता तो मैं एक नंबर दे दिया आपको कि ट्वेंटी वोल्ट पुट कर लेना होमवर्क के लिए ठीक है क्योंकि इस क्वेश्चन को आप रिवीजन में रखोगे इस क्वेश्चन को रिवीजन में इसलिए रखना है क्योंकि आपको थॉट प्रोसेस को गुड रखना है इसलिए इस क्वेश्चन इस को रिवीजन का पार्ट रखोगे क्योंकि इतना टब तो पूछेंगे नहीं वो लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें ये एक अच्छा चीज दिख रहा है कि जब जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट हो रहा है तो आउटपुट के अकॉर्डिंग हम डायोड को चेंज कर ले रहे हैं और फिर इनपुट का एक नया नंबर आ जा रहा है लास्ट स्टेप में क्या बोला आपको क्या करना है डी थ्री जो ऑलरेडी ऑफ है स्टार्टिंग से ट्वेंटी वोल्ट अब आप थर्टी से ज़्यादा देने वाले इनपुट तो उसको ऑन कर लो और वी आउट की वैल्यू निकाल लो कांस्टेंट नंबर आ रहा है कि वी आउट इन टर्म्स ऑफ वीन आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लास्ट केस में जो आप कर रहे होंगे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट नंबर आ रहा है अबाव थर्टी वोल्ट या आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट आ रहा है ये आपका पार्ट है बोला आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये क्वेश्चन सही है इंटरेस्टिंग किसी को लग रहा हो तो ऐसे हमारी लाइफ भी है जैसे क्वेश्चन है फुल इंटरेस्टिंग ठीक है अगर ये नोट कर चुके होंगे तो मैं पहले वाले उस पर जाऊंगा बोर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट पे कैमरा वही रखना अभी भी इस साइड कैमरा शिफ्ट मत करना जब मैं लिखूंगा तभी कैमरा शिफ्ट करना तब तक वही रखना उसी बोर्ड पे इनपुट की वैल्यू अब थर्टी से फिफ्टी वोल्ट हाँ बोर्ड अब चेंज कर लो इधर आ जाओ थर्टी वोल्ट से ज़्यादा और फिफ्टी वोल्ट तक इतना ही था इनपुट लास्ट स्टेप बचा डी टू आपके पास जो था वो स्टार्टिंग से जो ऑन था वो ऑफ हो चुका है ये जो ऑफ था वो ऑन हो चुका है ठीक है और ये आपका अब ऑन हुआ ये और आई डी थ्री ये करेंट ये आई डी थ्री ये ऑन हो गया सही है हाँ ये ये फिगर इस समय वी आउट की वैल्यू कितना होगा बस लास्ट वी आउट की वैल्यू वी आउट पर नोट लगा दो वी आउट बाई फाइव ओके वाला तो ऑफ है वी आउट माइनस ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी वाला नंबर है तो वी आउट माइनस वी इन डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू जीरो यस ट्वेंटी का मल्टीप्लाई करो फोर वी आउट आ रहा नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे अच्छा वी आउट माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी का मल्टीप्लाई करने से टू पॉइंट फाइव करने से फोर एट आता है एट वी आउट एट वी आउट इक्वल टू एट वी आई एन चेक कर लेंगे एक बार अपन बहुत सारे आउट हो गए एट फोर ट्वेल्व थर्टीन है थर्टीन वी आउट इज इक्वल टू एट वी आई एन प्लस ट्वेंटी है पता है तो वी आउट की वैल्यू एट बाई थर्टीन चेक करना एक बार प्लस ट्वेंटी बाई थर्टीन ये ये वी आउट की वैल्यू है ये कोई अगर मैं बोलता है कि मैक्सिमम आउट वोल्टेज कितना है इनपुट की मैक्सिमम 50 वोल्ट के लिए तो जब तक ये एक किसी के पास नहीं आती कोई नहीं बता पाता इसमें 50 बुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा वी आउट की वैल्यू अगर किसी को जानना है कि मैक्सिमम आउट वोल्टेज कितना है इनपुट फिफ्टी है आउटपुट कितना है तो इसमें फिफ्टी बुट करना पड़ेगा तो आपको आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू पता चल सकता है यहां तक पहुंचना पड़ेगा उसके लिए तो अप्लीकेशन ऑफ करंट लॉ ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि आउटपुट आउटपुट था आपके पास और फिगर ऐसे ही रहते जिसमें आराम से आप क्विच ऑफ करेंट और लगा सको ध्यान से अगर देखोगे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या किए जो स्टार्टिंग में था उसके बिहेवियर को अपन पलट दिए जो ऑन था उसको ऑफ किए जो ऑफ था उसको ऑन किए यही था और प्रोसेस हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन लंबा क्यों गया चाहे गई तीन डायविड है तो तीनों डायविड को चेंज करने के लिए प्रोसेस तो बड़ा ही हो जाएगा हर एक केस में के एक एक डायवट चेंज होते तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग था तो तीन चार केसेस बन गए ये नोट कर लीजिएगा ये आ रहा होगा चेक कर लीजिए एट क्लॉक हो गया यहाँ पे आपके पास होमवर्क क्या होगा वी की वैल्यू फोर्टी वोल्ट ले लेना फिफ्टी ले लेना वी आई फिफ्टी वोल्ट पे आप क्या क्या करना आई डी वन निकालना आई डी थ्री निकालना और ये वी डी टू और ये वी डी टू फाइंड आउट करना ये वी आई फिफ्टी वोल्ट के लिए और ऐसा आपको करना चाहिए ना अगर कोई भी चीज़ हमको देता हूँ तो उसके पीछे का रीजन रहता है प्रॉपर ना तो अगर मैं कुछ भी बोलूँ कि ये करना है तो ये आपको एनी हाउ करना चाहिए हाँ पास पहले से जो वोल्टेज थे वो सिक्स और ट्वेंटी थे बट अपने पास जो रेंज आया उसमें सिक्स और ट्वेंटी कहीं नहीं है हाँ पास जो रेंज आया उसमें सिक्स और ट्वेंटी कहीं नहीं है इतना नोट कर लो फिर मैं बोर्ड चेंज करके टेबल बनाता हूँ कैमरा भी यही रखना मैं टेबल बना रहा हूँ तो भी कैमरा थोड़ी देर बाद ही शिफ्ट करना हाँ कैमरा से शिफ्ट कर लेना सेकेंड वाले में क्या था रेंज कितना था सेकेंड वाले का है दे दे। वी इन बाई टू था हाँ यस वी प्लस थ्री बाई टू ये यहाँ बस आया एक्चुअली ये कन्वेंसनल क्वेश्चन लगभग बीस नंबर का क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स ही होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए तो दो चार नंबर का दिख रहा है आपको क्वेश्चन तो जो ई का मेन पेपर होता है जिसमें पंद्रह नंबर अठारह नंबर के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अठारह पच्चीस नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें दो एक डायउट वाली चीज को लेते इतना अच्छा तो भी नहीं लिया गया एक दो बार जो लिया गया उसमें भी इससे तो आसानी था कन्वेंशनल पेपर जो अठारह बीस नंबर के क्वेश्चन होते जिसमें यह पूरा एनालिसिस चाहिए इतना ऑब्जेक्टिव वाइज तो इनको एक क्वेश्चन पूछना एक बेसिक सा थॉट हेट बाई थर्टीन कितना होता है हेट बाई थर्टीन जीरो पॉइंट सिक्स वन सिक्स वन फाइव सिक्स वन फाइव इससे थोड़ा सा कम ये आउटपुट की वैल्यू अगर चाहिए तो मेरे को नाइन वोल्ट पुट करके पता भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जब नाइन पुट किया होंगे तो कितना आया होगा ये नाइन पुट करूँगा तो नाइन बाई टू और थ्री बाय टू ट्वेल्व बाई टू सिक्स वोल्ट आ रहा होगा ये सिक्स वोल्ट ये सिक्स वोल्ट आ रहा होगा इवन थर्टी वोल्ट पुट करके भी पता कर सकता हूँ मैं इस वाले में थर्टी पुट कर तो ट्वेंटी वोल्ट आएगा ट्वेंटी वोल्ट ये ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बन गए अलग अलग स्लोप ये इक्वेशन था ही टेबल था ही बना दिए हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बारगा बोल रहा है एनी शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व फास्ट हाँ यही शॉर्टकट है।, <laughs> है सर hmm. आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए सर सर खोलूँगा आप मेरिज जल्दी करो फिर बच्चे लोग को भेजना मंथ तो है ओपन करने का लेकिन ठीक है तो टेन इयर्स ठीक है वो वैसा नहीं होगा कॉलेज से कॉलेज बाकी होते हैं वैसा वाला नहीं है मेरा प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए चार साल बहुत होता है अगर एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो फोर इयर्स फोर इयर्स के बाद रिजल्ट आज के डेट में वो है कि लोग को टिग्नामेट्रिक जो ट्वेल्थ में आता था वो भी भूल गए मतलब लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो आता था वो भी चला गया आया कुछ नहीं लेकिन जो था वो भी गया तो बी करने के एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा दिखते हैं इलेवन ट्वेल्थ तक बच्चा कितना सीधे साधे थे आप ख़ुद ही अपने आप को एक बार सोचो जरा इलेवन ट्वेल्थ में आप कैसे सोचते थे कैसे थे एकदम थोड़ा सा डिसिप्लिन बॉय गर्ल अभी आप सोचो तो आप अगर सोचोगे कि क्या पाए कुछ भी नहीं चलो इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ मतलब ये तो हो गया बहुत क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस सिंपल सा जिसमें क्या आप अप्लाई कर सको कम समय वाला क्वेश्चन देता हूँ है टाइम तो है भी कैमरा यही भी रखना इसी जगह पर पहले देखो मेरे पास जो बुकलेट रहती थी वो ये बुकलेट रहती थी अनलॉक सर्किट की सिर्फ डायवर्ड की बुकलेट है फिर ऐसे ट्रांजिस्टर की एक बुकलेट फिर ऐसे ऑपरेशन एम्पलीफायर की बुकलेट फिर मैं सोचा कि नहीं अपना इन्जॉयमेंट खुद तक रखो ऐसा मत करो बाकी लोगों के साथ इसलिए फिर मैंने फील फैक्टर को कम किया बोला कि नहीं भाई अनलॉक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बुकलेट होना चाहिए तो लोग सोचेंगे सर क्या चाहते हो आप तो पहले मेरे को था कि पूरा डायवर्ड फैमिली की एक बुकलेट होना चाहिए एक एक पूरा ओपएम की एक बुकलेट होना चाहिए सबका फिर मैं बाद में सोचा कि इसमें सिर्फ इन्जॉयमेंट मेरा हो रहा ज़्यादा बच्चे लोग बाद में तो बुकलेट बस संभाल के रख दिए कुछ समय के बाद उसी में समोसा खा रहे उसी में कुछ कुछ खा रहे उसका यूज ही नहीं किए तो कि भी बुकलेट देने का क्या मतलब है एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आईटी कानपुर का ले रहा हूँ बट मेरे को लगता है कि आप लोग बना लोगे तो बुकलेट किसी को देखने की जरूरत नहीं मैं तो वर्कबुक में जाने की ज़रूरत नहीं आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ठीक है उधर का हो गया कि सब लोग बना लिए ये क्वेश्चन आप बना लोगे ऐसा लगता है मेरे को थोड़ा सा बस आप एक दो मिनट सही तरीके से अप्लाई करना छोटा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर का हो गया चलो कैमरा शिफ्ट कर दो ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं गेट 2015 का था आई कानपुर का क्वेश्चन एक साइनोसोडल वी ऐसा बना हुआ था ये जीरो लिखा था ये टी बाई टू लिखा था और ये टी लिखा था ठीक ये इनपुट वे फॉर्म था द वे इनपुट मतलब एक साइनोसोटर मैग्नीट्यूड नहीं दिया था सिर्फ इतना ऐसा फिक्र था और आउटपुरफॉर्म के लिए ऑप्शन थे कि आउट वे फॉर्म आपको बताना कि आउट वे फॉर्म कैसा होगा पहला था पूरा परफेक्ट वैसे ही साइनोस होडल सिग्नल ये वी आउट के लिए ऑप्शन थे वी आउट पहला एग्जैक्टली सेम था ए ऑप्शन साइनोसोडल सेकेंड जो ऑप्शन था वो रिवर्स ऑफ साइनोसोडल था ये बी ऑप्शन था सी ऑप्शन जो था वो एक ही पार्ट आ रहा था दूसरा पार्ट जीरो था जीरो टी बाई टू डी वाला जो ऑप्शन था वो पहला जीरो था और बाद वाला ये था जी ऐसे करके फोर ऑप्शन थे आउट हुए फॉर्म के अगेन आप देखोगे कि वो लोग फिगर को ज़्यादा कुछ नहीं करते बस ये है कि वो आपसे उस समय एक्सपेक्ट करते कि अभी आप क्या सोचोगे करके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जैसा फिगर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो बेसिक से आपका जो थॉट है वही उनको चेक करना है और तो बाय डिफॉल्ट आइडियल डावोट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि आइडियल डावट सो इन द फिगर द सेफ ऑफ द आउटपुट फॉर द गिवन साइन वेव इनपुट और आइडियल डावट क्वेश्चन में मैंसन करते बोलो लाइव क्लासेस में एक नाम लिखा शुक्ला जी खुद ही खुद ही नाम लिख लेते तो जी खुद ही जी लगा लिए भाई कैसे करते हो यार जी तो दूसरा बोलेगा ना <laughs> जी खुद क्यों बोलोगे हाँ चेक करो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल देखो आपके पास कि क्या आपको लग रहा है ऑप्शन भी बना दिए तो ऑप्शन बना लो आप ए बी सी डी चार ऑप्शन बने हुए हैं ठीक है एक मिनट और देता हूँ उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ कितने लोग का हो गया इतने लोगों का हो गया ठीक है नंबर तो ठीक है गुड नंबर है पर फिर भी एक मिनट और दे रहा हूँ पॉजिटिव हाइव साइकिल नेगेटिव हाइव साइकिल ले साइनसोडल वीवी फोन में आउटपुट का वी फॉर्म है, के वी फॉर्म चार फिगर बने आउटपुट इनपुट के बराबर है तो ए ऑप्शन आउटपुट माइनस ऑफ वी इनपुट है तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन में पहले में दे रहा होगा दूसरे में पहले में माइनस वी दूसरे में जीरो और चौथे वाले में पहले में जीरो और दूसरे में वी इन मतलब माइनस वी इन जैसे मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आप दिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देने का मतलब यही होता है कि इनपुट के इसके पास पॉजिटिव वैल्यू है इसके पास नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू बड़ी सारे डिफरेंस पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही मतलब होता है दिस वन ये कोई डिफरेंस वोल्टेज तो है नहीं पॉजिटिव कनेक्टेड है पी से ये डायोड को ऑन कर दिया नेगेटिव कनेक्टेड एन से ये डायोड को ऑन कर दिया ये वो डायोड्स आर ऑन देख लीजिए ध्यान से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पी जो है इसको ऑन किया फिर ये यहाँ गया फिर ये यहाँ से ये तो भी इसकी पी से कनेक्टेड है या फिर आप ऐसे बोल बोलो अगर दोनों डायोड अगर ऑन है दोनों डायोड अगर ऑन है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ये दोनों तो डायोड अगर ऑन है तो करंट फ्लो होना चाहिए आर ये क्या है वी आउट पी टू एन है ना ये तो ये करंट फ्लो होना चाहिए ये आई वन करंट डायोड करेंट ले लिया ये पी टू एन है तो ये आई टू करंट फ्लो होना चाहिए ये ये वी इनपुट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी इनपुट ध्यान से अगर देखा जाए तो जो आई वन करेंट, करेंट जा रहा है ये जो आई वन करेंट जा रहा है ये ये आई वैम ऐसा आ रहा होगा फिर फिर ऐसा जा रहा होगा फिर ऐसा जा रहा होगा तो आई वन और इक्वल टू आई टू स्पीकर में आई वन इक्वल टू आई टू करेंट वन अगर मैं के वी एल लगा भी लूँ इनपुट में के वी एल अगर लगा भी लूँ तो माइनस वी इनपुट प्लस जीरो प्लस आई वन इन टू आर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो तो आई वन इक्वल टू वी इनपुट बाई आर आ रहा है और वही I2 है और इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव है इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब कि I1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एम्पियर और I2 भी सेम है वो भी ग्रेटर देन जीरो एम्पियर हमारा एजेंसन सही है D1 और D2 दोनों ही ऑन है और अगर दोनों ऑन है तब आउटपुट की बात करते हैं आउटपुट क्या है आई ऐसा फ्लो हो रहा है या आई ऐसा फ्लो हो रहा है तो आर का ड्रॉप कैसे होगा आई के अकॉर्डिंग प्लस से माइनस आई इन आर वन तो वी आउट की वैल्यू माइनस आई आर वन आ रहा है वी आउट की वैल्यू माइनस आई आर वन अगर आप बोलोगे कि आर वन ये है इंटू माइनस आई करेंट की वैल्यू कितना था आपके कि पास ये वी इनपुट बाई आर तो माइनस वी इनपुट बाई आर 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 कैंसिल आउट हो गया तो आउटपुट की वैल्यू माइनस ऑफ वी इन आ रहा है ऐसा आ रहा है क्या आउटपुट के लिए माइनस ऑफ़ वी इन आ रहा है एक तरीका दूसरा तरीका सिंपल आउटपुट निकालना था करंट की बात छोड़ो सिंपल के वी लगा दो माइनस वी इन प्लस वो जीरो और माइनस वी आउट ये सिंपल बिना करंट के के वी एल तो वी आउट की वैल्यू माइनस ऑफ वी इन बिना करंट के ये भी निकाल सकते हो करंट निकाल के कर रहे हो तो करंट निकाल के ओम्स सलो लगाया बिना करंट के सीधे इनपुट और आउटपुट के वी एल सर्किट के वी एल हो गया के वी एल सर्किट ऐसे होगा ऐसे जाएगा ये जीरो फिर ये माइनस वी आउट और फिर वापस भी आ जाएगा पूरा कंप्लीट होने के लिए अगर इस जगह से स्टार्ट किए हो आप इस जगह से स्टार्ट किए तो ऐसा बढ़ते गया बढ़ते गया वापस आना जरूरी है के वी एल कम्प्लीट तभी होगा जब आप अपनी इस जगह पे वापस आओगे तो अगर यहाँ से स्टार्टिंग है स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐसा गया ये ऐसा गया ये ऐसा गया ये ये वी आउट का आपके पास माइनस पॉइंट से फिर ये वापस भी आ गया ये वापस भी आ गया के वी एल के लिए पाथ कम्प्लीट होना चाहिए तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो वही होना चाहिए ये घूमते वापस भी आ गया तो वी आउट के लिए वह माइनस वीन है और अगर आपको करंट देखना है कि हमारा एजेंसन गलत तो नहीं है करंट की वैल्यू पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव ऑफ साइकिल और जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड दोनों ऑन दिख रहे हैं तो फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में तो फिर पता ही है अब आपको नेगेटिव हाफ साइकिल अगर बोलना है ऐसा पूरा बनाना चाहिए नेगेटिव हाफ साइकिल अगर बोलना है आपको तो नेगेटिव हाफ साइकिल बोल सकते हो कि देखो सर वी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल है भले से पोलरिटी चेंज नहीं कर रहा हूँ बट फिर भी ये पहले बना लो फिर मैं इसमें लिखता हूँ इस वाली चीज़ को बड़े अच्छे से देखना जब दो डायोड आसपास कनेक्टेड होते हैं तो इस वाली चीज़ को ये जो मैं लिखा हूं ऐसा पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये मतलब है ये प्लस माइनस का ये मतलब है ये नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर इनपुट की पोलारिटी चेंज नहीं करोगे तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल लिखोगे तो देखिएगा Hmm. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये स्टोरी ये, ये. बिल्कुल क्लियर है पॉजिटिव वैल्यू दिस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये मतलब होता है कि ऊपर ये पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव है नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा सर नेगेटिव हाफ साइकिल हाँ नेगेटिव हाफ साइकिल पोलारिटी तो मैं चेंज नहीं करूँगा हाँ बिल्कुल उसके बाद भी नेगेटिव हाफ साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव वैल्यू भले चाहे पोलारिटी है ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है पोलारिटी चेंज मत करो दे ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ से कनेक्टेड है पॉजिटिव वैली यहाँ से कनेक्टेड इन द नेगेटिव हाफ साइकिल जब नेगेटिव वैल्यू पी से कनेक्टेड होगा इसको ऑफ़ करेगा ये हेलो इसको ऑफ़ करेगा पॉजिटिवली इससे कनेक्टेड इसको भी ऑफ़ करेगा दोनों डायोड ऑफ हो गए दोनों डायोड ऑफ हो गए तो ये करंट यहाँ से रुक गया ऑफ ये भी करंट रुक गया यहाँ से ऑफ़ तो करंट जीरो एम्पियर ये भी ऑफ अगर दोनों से करेंट अगर आपके पास आ ही नहीं रहा है तो जीरो एमपियर करंट आ रहा है यहाँ से ये जीरो एम्पियर यहाँ से भी जीरो एम्पियर जीरो एमपियर मतलब यहाँ से जीरो एम्पियर यहाँ पे जीरो एम्पियर ये मतलब हुआ ये तो फिर आर में तो करेंट जीरो ही हो गया कहीं से भी देखो ऊपर से देखो नीचे से देखो करेंट जीरो है एमपीरी फ्लो हो गया तो वी आउट की वैल्यू कितना आ रहा है जीरो वोल्ट आर में करंट जीरो आ रहा है क्योंकि दोनों पाथ में करंट जीरो है इनपुट आउटपुट तक कनेक्ट ही नहीं पाएगा क्योंकि ब्रेक हो गया दोनों पाथ आउटपुट वोल्टेज जीरो बिकॉज करंट ज़ीरो करंट क्यों जीरो because दोनों डायोड ऑफ है ये दोनों डायोड ऑफ है वी डी वन वी डी टू निकालना है वो भी निकाल सकते हो आप वो भी आएगा वही नेगेटिव वैल्यू दोनों डायवर्ड ऑफ है यही मैं केवीएल लगा रहा हूँ सर यही मैं केवीएल लगा रहा हूँ वी डी वन ये है ये वी डी वन लिखो ये देखो वी डी वन लिखो आउटपुट जीरो है ठीक है इट्स ओके ये कितना है कि वी डी टू लिख देते हो ये देखो तो इसमें दोनों वोल्टेज का जो एडिशन होगा उसके बराबर आपके पास रिजल्ट आएगा तो अभी आप डवर्ट का वोल्टेजेस दोनों जो होगा आपके पास वी डी वन और वी डी टू तो आप मान सकते हैं कि इक्वल इक्वल हो जाएगा वी इनपुट के अगर ये दोनों डाइवर्ट का वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो क्योंकि आउटपुट तो जीरो ही है तो टू वी डी वन इक्वल टू वी इनपुट आएगा के वी एल लगाओगे तो क्या आएगा बताओ okay, के बस माइनस वी इन प्लस वी डी वन प्लस आउटपुट जीरो प्लस वी डी टू इक्वल टू जीरो आप दोनों कैसे निकालोगे एक ही कैसा है दोनों वोल्टेज को सेम मान लो तो टू वी डी दोनों वोल्टेज सेम तो टू वी डी इक्वल टू वी इनपुट तो सर वी डी की वैल्यू वी इनपुट बाई टू आ रहा है तो ये ट्रू कैसे हुआ कि दोनों डाइवर्ट ऑफ है ट्रू कैसे हुआ वी डी नेगेटिव है सर वी डी नेगेटिव कैसे सर तो इनपुट बाई टू रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में वी इनपुट नेगेटिव होता है वी इनपुट इज नेगेटिव और नेगेटिव हफ साइकिल नेगेटिव हफ साइकिल में वी इनपुट नेगेटिव पुट कर दो तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू डायवर्ड वोल्टेज विल भी नेगेटिव बहुत डायवर्ड वोल्टेज विल भी सेम विथ नेगेटिव वैल्यू डायवर्ट्स ऑफ तो वैसा कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता जो कंसेप्ट हमारा है स्टार्टिंग से अब दो डायवर्ट थे अब कैसे करते हैं दोनों को वोल्टेज अलग अलग लिखते हैं तो मान लिए कि सेम मटेरियल सेम डिजाइन कर रहे हैं दोनों डायवर्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम इसके सिवर कोई तरीका इसके सीवार ऑफ दिखाने का कोई तरीका नहीं हो सकता है. तो दोनों डायोड के वोल्टेज को सेम मान लिए जो ड्रॉप है तो टू वी डी हो गया इनपुट की पोलैरिटी वो तो मैं कभी चेंज नहीं करूँगा तो इनपुट की पोलैरिटी चेंज नहीं करता हूँ मैं ये ये वही है यही बस मैं बोला कि ये नेगेटिव वैल्यू इससे कनेक्टेड है क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा हूँ ये पॉजिटिव वैल्यू से कनेक्टेड है ये मतलब होता है डोंड ऑफ है अभी तो मैं किस बात पे फोकस किया मैं इस बात पे फोकस नहीं किया कि आउटपुट का आंसर किया मैं इस बात पे फोकस किया कि जब मैं ऑन बोल रहा था तो मैं ये सोचूं कि ऑन है और कैसे तो करंट फ्लो होना चाहिए जब मैं ऑफ किया तो मैं सिर्फ वी आउट पर फोकस नहीं किया कि आंसर लाना है मैं बोला कि ये देखना भी चाहिए आपको क्योंकि अभी तो हम क्लास में हैं तो ये देखना चाहिए कि डाआउट वोल्टेज नेगेटिव आना चाहिए हमारा कंसेप्ट कैसे चेंज हो जाए फिर हम देखें कि सर ये तो नहीं निकलेगा क्योंकि दो वोल्टेज लोगे तो सर एक इक्वेशन दोनों सेम है जूँ कर लिए कोई प्रॉब्लम नहीं C, है आंसर क्या आ रहा अपना सी क्योंकि माइनस भी इनपुट है ना पॉजिटिव में नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव में तो जीरो ही हो गया तो सी आंसर आ गया हमारे पास ये देखो तो कुछ लोग लिए इनपुट का जो स्टाइल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं भी लिखा दोनों ही केसेस में जो दो फिगर बनाए दोनों केसेस में जो दो फिगर बनाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, है जिस तरीके से मैं बनाया और ये आपके पास इनपुट भी फोन क्या होता है कि एग्जाम के समय में आसान नहीं होता कि सब चीज़ें क्लिक करें अगर ध्यान से अगर देखोगे ना आपके पास तो फिगर कुछ नहीं वो है वो लोग मॉडिफाई किए अगर फिगर वो ऐसा बना देते पता आपके पास ऐसा फिगर है एक्चुअली ध्यान से देखा जाना तो ये इतना सिंपल फिगर है पता है ये फिगर है क्या पी टन ये वी इनपुट है ये माइनस कनेक्टेड था आपके पास यहाँ से ये आर है और ये वी आउट ये ये ना यार ये लो डी वन डी टू मान लो ये दिस वन ये ये फिगर आपके पास देखो तो मॉडिफाई फिगर कर दिया। हाँ ये फिगर था इसी को अरेंजमेंट चेंज कर दिया तो कई बार मॉडिफाइड फिगर जब बनाते हैं तो अरेंजमेंट थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज जाते हैं तो कई बार एक छोटे से फिगर को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में लाते हो कि थोड़ा फिगर के साथ कुछ किया जाएगा एग्जाम जब वो दे रहा होगा तो थोड़ा सा पैनिक होगा फिगर के अरेंजमेंट को देख के ये और फिगर एक ही है देखो ध्यान से अब मैं किस में पॉजिटिव हाइव साइकिल में क्या होगा दोनों ऑन होंगे तो दोनों ऑफ होंगे पॉजिटिव साइकिल में दोनों और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों ऑफ बट वी आउट का पोलारिटी अलग है इसलिए जब ऑन था तो वी आउट माइनस वी इन के बराबर था एक्चुअली इस फिगर को देखो और उस फिगर को देखो दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है ये फिगर बना होता तो थोड़ा सा ज्यादा एक स्टूडेंट कंफर्टेबल होता जबकि दोनों फिगर सेम है थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन बनाने से आपके पास थोड़ा सा कई बार आसान नहीं होता तो ज्यादा समझना है तो बोले आउटपुट और इनपुट साइनसो मान लो तो 8:30 हो गया और जेना डाट पढ़ाने आया था आज में लेकिन वो पहुंच नहीं पाया चलते रहे क्लासेस तो ठीक है कल जेना डायोड से क्लीपर सर्किट तो मेरा एक साथ ही जो होगा आपके पास वो मैं डायोड कैरेक्टरिस्टिक से आप डायवर्ट भी पढ़ाना चालू कर चुका हूँ ना मतलब सब चीज लेना चालू कर तो एक साथ ही बहुत सारा सब डायोड फैमिली एक साथ एंड हो जाएगा तो क्लैम्पर सर्किट को मैं भी अच्छे से लूँगा मतलब जब मैं कैपर इन्वॉल्व करूंगा तो उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि पूरे डायोड पर ही बात कर लेता हूँ और इंक्लूडिंग जेना डायोड रेगुलेटर तो ब्रेक कर देता हूँ जो सिक्वेंस है उसमें मैं क्लैम्पर सर्किट सबसे लास्ट टॉपिक लूंगा इसका मतलब है कि मैं पहले जेना डायोड फिर एक आध दिन बाद जेना डायउडसे रेगुलेटर मतलब पूरा ही कवरेज ले लूंगा एक्सेप्ट कैपेसिटर फिर अपन कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेंगे एटलीस्ट अपन डावुड पे अपना पूरा कमांड रख ले है ना फिर कैपेसिटर पे इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है तो हमको तीन घंटा तो नहीं पता चल रहा होगा ना है ना नहीं पता चलना चाहिए मतलब आराम से आप देखते रहो डी कितने लोग ऐसे लोग हैं जो तीस क्वेश्चन में से पच्चीस तो बना ही लिए ऐसे कितने लोग हैं जो पच्चीस तो बना ही लिए देखो इतने लोग बना लिए तो बाकी लोग भी ये देखना ज़रूरी है कि भाई सबके पास टाइम सेम है आपकी क्लास नहीं हुई थी तो ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ लोगों की क्लास नहीं हुई और कुछ लोगों की क्लास हुई ये समझना जरूरी है और जब आपके पास एक दिन का टाइम मिला और उसमें अगर आप बैक हो गए तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे आप चाहते तो ये भी बैठ के बना सकते थे एक दो लोग मिलके बना सकते थे कुछ डाउट रहता आपका काम हो जाता अभी आप बड़े कंफर्टेबल रहते हैं आपके पास थॉट प्रोसेस वाइज एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना और वो सब काउंट होते जाएगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फिर सोचेंगे कि आज तो संडे है सर संडे मनाने दिए करके तो कई लोग संडे मना लिए होंगे तो जितने संडे अभी आप मनाओगे लाइफ के जो आगे के जो संडे होंगे वो तो बड़े पेनफुल होंगे है ना मैं विश तो करता हूँ कि सभी बड़ा अच्छा रहे बट फिर भी ठीक है तो कल फिर अपन जेना डाउड की स्टोरी जेना डाउड से क्लिपर सर्किट भी यूज करेंगे सबसे पहले तो मैं वही करूंगा उसके बाद फिर देखेंगे नॉर्मल डायड और जेना डाउड में क्या डिफरेंस होता है एन सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आप रिवीजन रखेंगे तो आज का आप जो आपका जो काम है कुछ क्वेश्चन कुछ तो एक्स्ट्रा दिया नहीं डी भी बनाना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही आपके पास तो वो बना लेना एक दो दिन में कुछ तो बना भी डाले इस क्वेश्चन में जो जो मैं कैलकुलेट करने को दिया हूँ वोल्टेज की वैल्यू दिया तीन चीजें तीन बार कैलकुलेट करने को दिया वो जरूर कैलकुलेट करेंगे ठीक है क्योंकि आधे समय तो क्वेश्चन यही आते हैं कि बताओ कौन सा ऑफ है कौन सा ऑन है सब करवाऊंगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर तीस सेकंड बीस सेकंड पंद्रह सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो वो सब हमारा पार्ट होते जा रहा है हम तो मैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला भी आगे तक पढ़ा दिया हूँ लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हो तो बहुत सारे कई बार बहुत आसान आते हैं ठीक है तो कल हम और भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच अरे एनर्जेटिक रहा करो यार थैंक यू वेरी मच